फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास कुछ कुछ थ्योरम्स हैं जो कि हमारे पास कॉन्वेक्स फंक्शन एवं फिजिबल रीजन से रिलेटेड होंगी। पहली जो थ्योरम है वो है अपने पास द मैक्सिमम ऑफ आ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ आ एल पी पी इज अकर्स एट लीस्ट एट वन वर्टेक्स ऑफ एस। और जो कंडीशन है अपने पास द फिजिबल रीजन ऑफ आ एल पी पी प्रोवाइडेड बाउंडेड, यानी कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो किसी किसी न किसी वर्टेक्स पे मिलेगी। ये हमें शो करना है। अब फ्रेंड्स, इसको शो करने के लिए हम लेट एक्स जीरो बिलोंग्स टू एस बी द पॉइंट सच दैट एफ एक्स अकर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन एक्स जीरो। वो हमने एक एक्स जीरो पॉइंट ले लिया है, उस पर हमारे पास जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो हमने देन एफ एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स जीरो पर हमारे पास वैल्यू लिए हमने पे मैक्सिमम लिए। तो बाकी और पॉइंटों के लिए फंक्शन की वैल्यू जो होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, या तो उससे कम होगी या उससे इक्वल होगी। सिंस एस इज बाउंडेड, अब हमारे पास ये दिया हुआ था कंडीशन की जो फेजिबल रीजन होगा वो बाउंडेड होगा, ये दिया हुआ। सिंस एस इज बाउंडेड देन फोर लेट देन फोर द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन इज फाइनाइट, क्योंकि जो रीजन है वो बाउंडेड है। तो रीजन बाउंडेड है तो वर्टेक्स है, इस तरह से उस जो वर्टेक्स बनेंगी एक दो तीन ये सभी बाउंडेड होंगी। ये इनका जो नंबर होगा वो बाउंड फाइनाइट होगा। लेट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन बी द वर्टेक्स ऑफ एस, ये हमने मान लिया कि एक्स वन एक्स टू और जो एक्स एन है इसके एन वर्टेक्स हैं ऑन एस, और एक्स आई बिलोंग्स टू एस, आई बराबर वन टू एन। देन एफ एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स आई, क्योंकि जो एफ एक्स जीरो जो पॉइंट था हमारे पास, उस पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा था फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो बाकी और पॉइंटों पे या तो लेस देन इक्वल टू होगा, ये कंडीशन हो गई। नाउ फेजिबल सेट ऑफ आई एल पी पी ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि हम पहली जो थ्योरम्स थी, वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ाया था कि जो फेजिबल सेट होता है एल पी पी का वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक्स जीरो को हम इसके एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो एल्फा वन एक्स वन प्लस एल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट एल्फा एन एक्स एन, जहाँ पर एल्फा वन प्लस एल्फा टू डॉट डॉट एल्फा एन इक्वल टू वन। यहाँ एल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फोर ऑल आई बराबर वन टू एन। यहाँ जो एल्फा के जितने भी हैं उनका सम होगा एन के इक्वल होगा। और चूंकि ये एल पी पी प्रॉब्लम है तो फंक्शन हमने फंक्शन इस पर लगा दिया, फंक्शन एफ एक्स जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल्फा वन एक्स वन प्लस एल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट एल्फा एन एक्स एन। अब चूंकि ये लीनियर फंक्शन है तो फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू इक्वल टू एल्फा एफ एक्स वन प्लस बीटा एफ एक्स टू। तो उस फॉर्म में लिखने से पहले पहले हमें फंक्शन को अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो गया फंक्शन एफ एल्फा वन एक्स वन प्लस एफ एल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 एफ एल्फा एन एक्स एन। अब हम कौन फंक्शन जो लीनियर है तो लीनियर की प्रॉपर्टी से ही हम एल्फा वन को बाहर ला सकते हैं। तो ये हो गया एल्फा वन एफ एक्स वन प्लस एल्फा टू एफ एक्स टू प्लस डॉट डॉट एल्फा एन एफ एक्स एन। अब हमने इसमें से कोई फंक्शन पॉइंट ले लिया है, इन सारे पॉइंटों में से एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स में से कोई भी हमने पॉइंट ले लिया जो कि मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है तो हमने मान लिया एफ एक्स पी बराबर मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स आई। अब चूंकि ये फंक्शन में हमने मैक्सिमम लिया है, सारे छोटों जो जो भी छोटे थे उनकी जगह हम एक पॉइंट रख रहे हैं, एक वैल्यू रख रहे हैं वो एफ एक्स पी, ये फंक्शन की वैल्यू हम रख रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एफ एक्स जीरो से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स वन जैसे कहीं एफ एक्स पी से बड़ा था तो यहाँ पे बड़ी से नंबर से चेंज हो गए, यहाँ पे भी बड़े नंबर से चेंज हो गए, इस तरह सभी बड़े नंबरों से चेंज हो गए। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू एल्फा वन एफ एक्स पी प्लस एल्फा टू एफ एक्स पी प्लस डॉट डॉट प्लस एल्फा एन एफ एक्स पी। तो एफ एक्स पी उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, ये एफ एक्स पी हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास ये हो गया एफ एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स पी, क्योंकि जो एल्फा वन प्लस एल्फा टू टू प्लस डॉट डॉट एल्फा एन था वो हमारे पास इस तरह से लिया था कि उनका सम था वो वन था। तो ये हो गया एफ एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स पी। बट जो हमने पहले जो कंडीशन ली थी वो क्या ली थी, एफ एक्स जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या थे, जो भी हमारे पास फेजिबल रीजन में जो भी पॉइंट थे, फेजिबल रीजन में ये भी पॉइंट है एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स पी जो कि हमारे पास वर्टेक्स है, उनसे बड़ा आ गया है ये। तो उनसे भी ये बड़ा होगा क्योंकि
अब ये फेजिबल रीजन के सारे पॉइंटों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पॉइंटों के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इन दोनों की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स पी, क्योंकि ये जो कह रहा है ये कह रहा है हमारे पास एफ एक्स जीरो इससे बड़ा है एफ एक्स पी से, जबकि ये कह रहा है कि एफ एक्स जीरो एफ एक्स पी से छोटा है, छोटा है बराबर है। तो या तो ये दोनों कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो होगी एफ एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स पी। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो सेकंड थ्योरम है वो है इन द एलपीपी ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स अटेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, एस इज द फेजिबल रीजन ऑफ एलपीपी, देन एफ इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड एस इज बाउंडेड। फ्रेंड्स ये हमारे पास थ्योरम है, वो कह रही है कि अगर कोई हमारे पास एलपीपी है और उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स, उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू कोई इंटीरियर पॉइंट यानी कि रीजन के अंदर वाले पॉइंट पे जाएंगे यानी पे अटेंस कर रीजन, जैसे कोई रीजन इस तरह से है, इस तरह से रीजन है कोई, और वो अंदर इस पॉइंट पे उसमें मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, तो ये कह रहा है कि अगर अंदर के हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है तो वो कहता है कि देन एफ इज कांस्टेंट, जो फंक्शन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो कांस्टेंट होगा प्रोवाइडेड एस इज बाउंडेड, मतलब ये कंडीशन है कि एस हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए। अब फिर इसको प्रूव करते हैं, लेट एक्स जीरो बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ एस, हमने एक्स जीरो को ले लिया कोई भी जो कि एस का जो रीजन था उसके कोई इंटीरियर पॉइंट है, देन एक्स अटेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स जीरो, क्योंकि हमने एक्स जीरो एक इंटीरियर पॉइंट लिया है और ले लिया कि मान लिया कि हम जो एक्स जीरो पर है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, देन एफ एक्स जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस, क्योंकि एफ एक्स जीरो पर हाइएस्ट वैल्यू अटेंड कर रहा है तो बाकी और पॉइंट्स के लिए हमारे पास या तो लेस छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, ये ले लिया हमने। नाउ सपोज दैट एफ एक्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, हमने एक ये सपोज कर लिया कि एफ फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, देन वी कैन फाइंड टू पॉइंट एक्स वन एंड एक्स टू इन एस सच दैट एफ एक्स जीरो इज लेस देन एफ एक्स वन स्ट्रिक्टली लेस देन, ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, एफ एक्स जीरो इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ एक्स वन एंड एफ एक्स जीरो इज स्ट्रिक्टली एक्स टू एफ एक्स टू, क्योंकि हमारे पास जो एफ है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली उनसे छोटे दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे। नाउ एक्स जीरो कैन बी रिटन एज द सी एल सी ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू, क्योंकि कोई भी उसके फेजिबल रीजन है तो उसके कोई भी किसी पॉइंट को हम दो पॉइंटों के सी एल सी के रूप में हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया एक्स जीरो बराबर लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये फेजिबल रीजन था, यहाँ हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने एक्स वन ले लिया, यहाँ हमने एक्स टू ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास एक्स जीरो, तो इस पॉइंट के सी एल सी के रूप में हमने एक्स जीरो को लिख दिया हमने, और यहाँ पे दोनों जगह पे जो एक्स वन है और एक्स टू है एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू एंड एफ एक्स जीरो एंड एफ एक्स टू इज लेस देन एफ एक्स जीरो, ये कंडीशन वाले पॉइंट हमने ले लिए हैं यहाँ पे, देन एफ एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू, बट जो ये फंक्शन है ये लीनियर है, तो ये हो जाएगा एफ लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, और फंक्शन एफ एक्स जीरो बराबर लेमड़ा एफ एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एफ एक्स टू। तो फिर से यहाँ पे क्या क्या है, हमने मान लिया कि जो फंक्शन था ये एफ एक्स वन जो था एफ एक्स वन इक्वल नोट एफ एक्स टू, एंड हमने साथ ही मान लिया एफ एक्स वन जो है एफ एक्स टू से बड़ा है, क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे पॉइंट निकाल सकते हैं कि बड़े और छोटे हो उनसे, भले हम एफ एक्स टू को बड़ा मान लें किसी को मतलब इक्वल पॉइंट ना हो, ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमने वैल्यू निकाल लिया, तो ये हो गया एफ एक्स जीरो लेस देन लेमड़ा एफ एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एफ एक्स टू, ये हमने कंडीशन लेके चले हैं, देन एफ एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू लेमड़ा प्लस वन माइनस लेमड़ा एफ एक्स वन, और ये हमारे पास अप्लाई कर देता है एफ एक्स जीरो लेस देन एफ एक्स वन, यानी कि एफ एक्स वन से छोटा है एफ एक्स जीरो, यानी कि एफ एक्स वन जो है वो बड़ी वैल्यू है, बट हमने एफ एक्स वन को क्या माना था छोटी वैल्यू माना था, और एफ एक्स जीरो को हमने हाईएस्ट वैल्यू माना था, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, सो एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये सब झोल हुआ था ये तभी हुआ था जब हमने फंक्शन को कॉन्स्टेंट माना था, कॉन्स्टेंट नहीं माना था तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है कॉन्स्टेंट है। अब फिर से हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, वो थ्योरम है द सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स सेट, हमने यहाँ पे थ्योरम थ्योरम लिया कि कोई एक हमारे पास
एलपी भी दी हुई है, उसके जो ऑप्टिमल कुछ सॉल्यूशन है, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का हम एक सेट बनाए तो हमेशा कॉन्वेक्स सेट होगा, ये हमें शो करना है। हमने एक इसके लिए ये कम हमने एलपी भी ले ली, लेट मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज आर एल पी पी। लेट एस बराबर एक्स वन डॉट एक्स टू एक्स एन, ये एक्स एन जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास जो वो पॉइंट है जिन पे हमारे पास वैल्यू है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, इज द सेट ऑफ आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो सी टी एक्स वन बराबर सी टी एक्स टू बराबर डॉट और सी टी एक्स एन इक्वल टू एम, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे सभी इक्वल है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये इसलिए है क्योंकि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो एक ही होता है, यूनिक होता है, तो यूनिक जो मैक्सिमम होता है वो सी टी एक्स वन पे भी दे रहा है, सी टू एक्स टू पे दे, सभी पॉइंटों पे एम हाइस्ट वैल्यू दे रहा है। नाउ वी वांट टू शो दैट कि इसके जो पॉइंटों को होंगे पॉइंट होंगे उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो उसके लिखने के लिए हमें क्या है, एक्स बराबर कोई पॉइंट मान लिया जो कि इस तरह से इस फॉर्म में है, लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, और हमें ये शो करना है कि ये है वो एस का ही सेट है, ये जो पॉइंट है इससे जो पॉइंट शो होंगे लेमड़ा के अलग अलग वैल्यू के लिए वो सारे पॉइंट एस में होंगे, हमें ये शो करना है। अब फ्रेंड्स ये शो करने के लिए हमने दोनों तरफ हमने सी टी जो कि एक हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट सी टी क्या है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट और सी टी है सी ये कॉलम मैट्रिक्स है, बस सी टी यानी ट्रांसपोज हो गया रो मैट्रिक्स हो गया, तो ये रो मैट्रिक्स सॉरी कॉलम मैट्रिक्स है ये, या सी टी हाँ सी टी रो मैट्रिक्स है, सी टी रो मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो चूंकि लैम्बडा कांस्टेंट है तो लैम्बडा 12 आ जाएगा, लैम्बडा सी टी एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा सी टी एक्स टू, चूंकि दोनों जगह पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है एम है, तो ये हो गया लैम्बडा एम प्लस वन माइनस लैम्बडा एम, तो एम को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये हो गया लैम्बडा प्लस वन माइनस लैम्बडा एम, तो सी टी एक्स बराबर भी हमारे पास एम आ गया, मतलब जो एक्स के लिए था वो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू थी वो एम ही आ चुकी है। सो हम कह सकते हैं एक्स है वो भी एस से बिलोंग करता है, सो एस इज कॉन्वेक्स सेट। हेलो फ्रेंड, अब फ्रेंड्स हमारे पास आता है अगली कंडीशन, फेजिबल रीजन ऑफ आ एल पी पी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट, ये हमारे पास नई थ्योरम है, इसको प्रूव करते हैं। लेट मैक्स ये फेजिबल रीजन ऑफ आ एल पी पी, कोई भी लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम होगी उसका जो फेजिबल रीजन होगा वो कॉन्वेक्स होगा, ये प्रूव करने के लिए लेट मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स, जो हमने एक एल पी पी मान रहे हैं कि मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स सब्जेक्ट टू जो कंडीशन है ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक कंडीशन है अपने पास। अब इसमें हमें फेजिबल रीजन क्या होंगे फ्रेंड्स, जो फेजिबल रीजन होंगे जो कि सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ऐसे पॉइंट जिनके लिए ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ये होंगे। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल एस बी द फेजिबल रीजन, देन लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एस, कोई भी हमने एस से दो पॉइंट ले लिए तो उनके लिए फेजिबल रीजन होने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सो ए एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू बी, ए एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू बी। नाउ हमने कोई एक्स एक अलग से पॉइंट लिया है जिसको हम लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हमने लिया है लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, जो भी दो दो पॉइंट होंगे इनका लेंथ सेगमेंट पे जो भी पॉइंट होंगे उनके लिए ये लिया है हमने, एक्स कोई पॉइंट होगा लेमड़ा की अलग अलग वैल्यू के लिए एक्स की अलग अलग वैल्यू होंगी, फॉर कॉन्वेक्सिटी इट इज सफिश टू शो दैट कि ये जो पॉइंट है एक्स ये एस में बिलोंग करेगा, यानी कि लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू, अगर एक ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ए लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू बी, देन ये हो गया ए एक्स बराबर लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा एक्स टू, अगर दोनों तरफ हमने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर लिया तो ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा कॉन्स्टेंट तो 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा ए एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा ए एक्स टू, तो ए एक्स वन इक्वल टू यहाँ पे हमने बड़ी वैल्यू यानी कि ए एक्स वन से सारी सभी वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू है बी है, तो हमने वो बी ए एक्स वन की जगह बी पुट कर लिया, ए एक्स टू की जगह बी पुट कर लिया, तो ये लेस देन ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल बी कॉमन ले लिया, तो लैम्बडा प्लस वन माइनस लैम्बडा और ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, जो कि हमारे पास फेजिबल रीजन के लिए क्या है कंडीशन है कि ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, सो हमारे पास सो एस इज ए कॉन्वेक्स सेट।
अब फ्रेंड्स हमारे पास नई थ्योरम में वो ले रहे हैं इफ आ एल पी पी इफ इन आई एल पी पी फेजिबल रीजन इज बाउंडेड, रीजन जो फेजिबल रीजन है वो बाउंडेड दिया हुआ है, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आल्सो बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यहाँ पे दिया हुआ है कि फेजिबल रीजन बाउंडेड है तो उसका सॉल्यूशन होगा वो बाउंडेड होगा, बट अगर सॉल्यूशन जो रीजन अगर सॉल्यूशन बाउंडेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रीजन हो वो भी बाउंडेड हो, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हमें पहले ये शो करने के लिए कि इफ़ एल पी पी का फेजिबल रीजन बाउंडेड है देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड होगा, ये शो करने के लिए हमने एल पी पी ले लिया। लेट मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो गिवन दैट फेजिबल रीजन इज बाउंडेड, यानी कि जो ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी है जो इसे रीजन बन रहा है फेजिबल रीजन वो बाउंडेड है। सो एक्स इज फाइनाइट या फिक्स वैल्यू, जो एक्स जो होंगी उसकी वैल्यू होंगी जो फाइनाइट होंगी या फिक्स होंगी, यानी इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होंगी। तो सी एंड सी इज कॉन्स्टेंट, चूँकि सी जो है ये कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है, सो सी टी एक्स इज ऑल्सो फाइनाइट, क्योंकि जो रीजन है वो हमारे पास बाउंडेड था तो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकती। एक्स की जो एक्स वैल्यू क्या किस फॉर्म में होंगी, एक्स की वैल्यू होंगी एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन इस फॉर्म में होंगी, तो ये चूंकि ये बाउंडेड है एक्स के सारे पॉइंट तो ये भी वैल्यू होंगी ये बाउंडेड होंगी, तो सी टी एक्स जो होगा वो भी फाइनाइट होगा हमारे पास, सो सॉल्यूशन इज ऑल्सो बाउंडेड। बट कन्वर्स प्रूव करने के लिए लेट बट फॉर कन्वर्स लेट मैक्सिमम जेड इक्वल टू माइनस एक्स वन और सब्जेक्ट टू एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में फ्रेंड्स मैक्सिमम जेड निकालना है हमें और फंक्शन वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है माइनस एक्स वन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स वन की कुछ और वैल्यू होंगी तो नेगेटिव माइनस में चलता जाएगा क्योंकि एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, बट रीजन इज अनबाउंडेड क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में कितनी भी जा सकती है, वन टू थ्री इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो जो रीजन हो गया वो अनबाउंडेड हो गया बट जो वैल्यू हो गई वो इसकी बाउंडेड हो चुकी है। हमारे पास नई प्रॉब्लम है वो नई थ्योरम है वो है द मिनिमम ऑफ एल पी पी अकर्स ऑन सम एक्सट्रीमम पॉइंट। ये क्या है फ्रेंड्स, कोई भी एल पी पी होगा उसे जो एक्सट्रीमम जो मिनिमम होगा वो किसी एक्सट्रीमम पॉइंट पे ही होगा। अब ये प्रूव करने के लिए हम लेट मिनिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी, हमने ये एल पी पी मान ली है और जहाँ पे b है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। लेट x0 जीरो इज द पॉइंट विच इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एल पी पी, हमने x0 जीरो पॉइंट को कुछ इस तरह से ले लिया कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है एल पी पी का, देन सी टी एक्स जीरो इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, क्योंकि x0 जीरो पॉइंट को हमने इस तरह से माना है कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रॉब्लम किस तरह की, मिनिमम प्रकार की, तो मिनिमम प्रकार की जो पॉइंट जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला जो पॉइंट होगा उस पर जो वैल्यू होगी मिनिमम होगी। एंड लेट एक्स जीरो इंटीरियर पॉइंट, हमने एक्सटीरियर पॉइंट की जगह एक्स जीरो को इंटीरियर पॉइंट मान लिया, यानी कोई भी अंदर का पॉइंट मान लिया है हमने। लेट सी टी एक्स जीरो इक्वल टू एम, यानी हमने सी टी एक्स जीरो को एम जो मान लिया, मिनिमम है ये वैल्यू सी टी एक्स जीरो पर और जो इंटीरियर पॉइंट मानना है हमने इसको। चूंकि एस इज कॉन्वेक्स सो एक्स जीरो कैन बी रिटन एज, क्योंकि एस जो है वो कॉन्वेक्स है इसलिए हम एक्स जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स जीरो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, और वो कौन यानी कि एक्स जीरो को इस तरह का जैसे ये कोई रीजन है तो एक्स जीरो को हमने यहाँ मान लिया, यहाँ एक्स वन और इधर एक्स टू ये है अंदर ही पॉइंट इसके, तो इस तरह से ये मान लिया हमने। दो एक्स जीरो इक्वल टू लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, तो सी टी एक्स जीरो इक्वल टू लेमड़ा कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा सी टी एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा सी टी एक्स टू, बट सी टी एक्स जीरो बराबर एम जो कि मिनिमम वैल्यू है, सो सी टी एक्स वन जो होगा वो एम इससे बड़ा होगा और सी टी एक्स टू दोनों जो वैल्यू होंगी इससे बड़ी होंगी। जो हमने वैल्यू यहाँ पे जो वाली बड़ी वैल्यू है सी टी एक्स वन एंड सी टू एक्स टी, इसके लिए हमने इन दोनों से बढ़ेंगे तो एक छोटा नंबर आ जाएगा एम वन, एम जो सबसे छोटा नंबर है इनसे सी टी एक्स वन और सी टी एक्स टू से छोटा एम है, तो हमने यहाँ पे छोटा नंबर एम पुट किया है, तो ये हमारे पास डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इधर हम छोटा नंबर पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी टी एक्स जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू लेमड़ा एम प्लस वन माइनस लेमड़ा एम, तो एम कॉमन ले लेंगे तो सी टी एक्स जीरो ग्रेटर देन टू एम, बट सी टी एक्स जीरो क्या था हमारे पास मिनिमम था,
सी टी एक्स जीरो बराबर एम माना था जो कि मिनिमम था, लेकिन हमने दिखा दिया जो सी टी एक्स जीरो एम से बड़ा है, बट एम से मिनिमम है और सी टी एक्स जीरो को इक्वल माना था, ये हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सो एक्स जीरो इज अ इंटीरियर पॉइंट, सो एक्स जीरो इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि हमने जो जो भी किया था एक्स जीरो को इंटीरियर पॉइंट मान के किया था। सो हम कह सकते हैं एक्स जीरो इज एक्सटीरियर पॉइंट, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। अब फिर अगली थ्योरम में, एवरी लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आल्सो ए ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये प्रूव करते हैं, यानी कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसमें पहले सबसे पहले ये समझना होगा हमारे पास लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। अब फिर जैसे यहाँ पे कोई रीजन है, ये रीजन है हमारे पास लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक्स जीरो लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो उसके जो नेबरहुड बनेगा, एक इसका जो नेबरहुड बनेगा एन एक्स जीरो डेल, इसमें जो वैल्यू होगी फंक्शन की एफ एक्स जीरो वो होगी, जैसे अगर प्रॉब्लम मैक्सिमम की है तो ये एफ एक्स जीरो सबसे बड़ी होगी, एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो, नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो ये होगी, ये हमारे पास लोकल ऑप्टिमल हो गया। और ग्लोबल ऑप्टिमल का मतलब, ग्लोबल ऑप्टिमल का मतलब है फ्रेंड्स जो पूरे इसमें ऑप्टिमल हो, यानी कि जो इसके लिए तो है वही और बाकी इसके लिए भी हो तो वो ग्लोबल ऑप्टिमल हो जाएगा। जो हमें ये शो करना है एवरी लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमें कोई लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेके चलना है उसको हमें ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन शो कर देना है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें एक LPP मान ली है हमने, लेट LPP मैक्सिमम जेड इक्वल टू CTX, ये हमने LPP मान लिया मैक्सिमम जेड इक्वल टू CTX और सब्जेक्ट टू AX लेस देन B, लेट एक्स जीरो बी द लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमने एक्स जीरो को लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मान लिया, देन CTX0 यानी ये एक्स जीरो ये लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, देन CTX0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू CTX, बाकी सारे एक्स के लिए जो कि इस नेबरहुड में बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो, नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो इंटरसेक्शन एक्स, यानी कि ये जो पॉइंट है इसमें सारे सारे पॉइंटों के लिए ये CTX0 बड़ा है CTX से। नाउ टेक X2 इज एनी अनदर पॉइंट विच इज आउटसाइड फ्रॉम नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो, इस नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो से इस रीजन से हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया बाहर, इससे X2 ये हमने पॉइंट ले लिया, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया X2 को एंड X0 को, देन वी कैन फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट X0 X2, यानी X2 और X0 इस लाइन पे हम एक पॉइंट इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नेबरहुड है, ये नेबरहुड हमेशा ओपन होता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होंगे तो वो निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड अ पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट X0 X2 फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा, लैम्ब्डा किसी वैल्यू के लिए, सच दैट XI इज अ पॉइंट ऑफ नेबरहुड ऑफ X0, नेबरहुड के लिए लैम्ब्डा की किसी वैल्यू के लिए इस पे यहाँ पे एक वैल्यू पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा, क्योंकि जो लैम्ब्डा जो होता है लैम्ब्डा X0 प्लस 1 माइनस लैम्ब्डा X2 किसी लैम्ब्डा की एक वैल्यू के लिए X1 बराबर X1 इस तरह से मिल जाएगा कि लैम्ब्डा कोई फिक्स वैल्यू होगी कि जो वैल्यू होगी ये लाइन जो होती है क्या शो करता है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट को शो करता है इस लाइन सेगमेंट को, तो इस लाइन सेगमेंट पे किसी ना किसी लैम्ब्डा की वैल्यू के लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें एक्स वन की वैल्यू अंदर मिल जाएगी, कोई अंदर वाला पॉइंट हमने ले लिया है। देन CTX1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली लेस देन CTX0, क्योंकि फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट नहीं है तो स्ट्रिक्टली लेस देन मान लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने CTX1 को और CTX0 से स्ट्रिक्टली लेस देन मान लिया। नाउ X1 इक्वल टू लैम्ब्डा X0 प्लस 1 माइनस लैम्ब्डा X2, क्योंकि उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा है हमने X1 को किसी लैम्ब्डा कोई फिक्स वैल्यू के लिए फोर सम फिक्स लैम्ब्डा। नाउ CTX1 हमने CTX यहाँ से जो CT था इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि लैम्ब्डा कॉन्स्टेंट है तो 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा CTX0, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं CT λX0 प्लस 1 माइनस लैम्ब्डा CTX2। अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चाहिए हमें X2 के लिए भी हमें ये फिक्स करना है कि X2 के लिए भी ग्लोबल है, तो इसके लिए हमें X2 वाले टर्म को एक तरफ रखा है और दूसरी टर्म को इस टर्म को इस तरफ ले गए हैं, तो 1 माइनस लैम्ब्डा CTX2 को यहाँ लिख दिया है और CTX1 जो कि पॉजिटिव रहेगा ये हो गया और ये इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा माइनस लैम्ब्डा CTX0 माइनस लैम्ब्डा CTX0 ये हो गया। बाई वन जो इक्वेशन 1 थी
उसके अकॉर्डिंग क्या थी अपने पास, जो सी टी एक्स, ये जो इक्वेशन थी सी टी एक्स वन लेस देन इक्वल टू सी टी एक्स जीरो, इस इक्वेशन से हमने बड़ी बड़ा नंबर है क्या है सी टी एक्स जीरो, तो सी टी एक्स जीरो यहाँ पुट कर लेंगे हम। यहाँ बड़ा नंबर पुट किया, चूँकि अब यहाँ पे हम देखते हैं जो नंबर है सी टी एक्स जीरो, और यहाँ पे हम बड़ी बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं सी टी एक्स वन की जगह, तो बड़ा नंबर पुट करें तो डेफिनेटली ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस लैम्बडा सी टी एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू लैम्बडा, सॉरी वन सी टी एक्स जीरो माइनस लैम्बडा सी टी एक्स जीरो। अब सी टी एक्स जीरो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया वन माइनस लैम्बडा सी टी एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस लैम्बडा सी टी एक्स वन। अब चूँकि वन माइनस लैम्बडा और लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है, जीरो और वन के बीच में होती है हमेशा, तो पॉजिटिव होती है, तो वन माइनस लैम्बडा से वन माइनस लैम्बडा कट जाएगा और साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए लिखा हमने वन माइनस लैम्बडा इज पॉजिटिव। सो ये कह सकते हैं हम सी टू एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू सी टी एक्स जीरो, बट एक्स टू क्या था हमारे पास, कोई भी पॉइंट था जो कि हमारे पास नेबरहुड से बाहर था, उस पॉइंट के लिए भी हमने प्रूव कर दिया कि वो एक्स जीरो होगा वो मिनिमम होगा, तो ये हो गया हमारे पास। सो कह सकते हैं हम एक्स जीरो इज आल्सो मिनिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ एक्स टू, सो एवरी लोकल मैक्सिमम ऑफ एल पी पी इज अ ग्लोबल मैक्सिमम। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रॉब्लम में एक बात सोचने वाली बात है, जब हम यहाँ पे पॉइंट लिया था हमने तो एक्स वन को अंदर ही क्यों लिया था, एक्स वन को हम बाहर भी तो ले सकते थे। फ्रेंड्स एक्स वन को हमने बाहर इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमने जो पहले पढ़ी है अपने पास कि जो सॉल्यूशन जो वैल्यू होती है उसकी या तो इंटीरियर पॉइंट पे होती है या फिर बाउंड्री पे होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है या तो इंटीरियर पॉइंट या बाउंड्री, तो इंटीरियर पॉइंट भी बाउंड्री पर होता है, जैसे यहाँ लेते तो हम यहाँ से पॉइंट वाले यहाँ वाले पॉइंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, यहाँ वाले पॉइंट के लिए फिजिबल पॉइंट नहीं रहता, इसलिए हमने पॉइंट को अंदर वाले अंदर की तरफ लिया हुआ है इस पॉइंट को, तब हमने ये प्रूव किया है। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपने पास ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व ऑफ एल पी पी, वही हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई होगी उसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ना है हमें। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू टू एक्स वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई सब्जेक्ट टू माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन एंड टू एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू टू एंड एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में पहले हम जनरल मेथड देखते हैं, जनरल मेथड ऑफ फाइंड फेजिबल रीजन। ये फेजिबल रीजन जो होता है किसी भी ग्राफ सॉल्यूशन के लिए जो फेजिबल रीजन होगा उसको निकालने के लिए हम जनरल मेथड देखते हैं। फर्स्ट पुट द लाइन ऑन द ग्राफ, ये फिर से हमारे पास ग्राफ है और फर्स्ट मेथड कह रहा है पुट द लाइन ऑन द ग्राफ, जो लाइन दी हुई है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन, इसको पहले हम एक लाइन में चेंज करते हैं, तो इसके लिए इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना होगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन ये एक लाइन है, इसको हमें ग्राफ पे पुट करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं वाई इक्वल टू अगर जीरो पुट करें, वाई इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स इक्वल टू माइनस वन, यानी कि एक तो ये पॉइंट होगा हमारे पास जहाँ से जा रहा होगा, और दूसरा अगर हम एक्स बराबर जीरो पुट करें तो वाई बराबर आता है हमारे पास वन। ये इस लाइन के फ्रेंड्स दो पॉइंट हो गए, इस लाइन के माइनस एक्स प्लस वाई, इस लाइन के दो पॉइंट हो गए, तो इनसे जा रहा है, तो वाई जीरो एक्स माइनस वन, एक तो ये हो गए इधर माइनस वन और एक हो गया वाई बराबर वन एक्स बराबर जीरो, एक यहाँ पे ले लेते हैं वाई बराबर वन, ये हो गया, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये हमारे हमने फर्स्ट दे दिया इसको और ये हमारी लाइन हो गई। और सेकेंड अपने पास टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू टू, पहले इसको लाइन में चेंज करने के लिए टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, अब टू एक्स प्लस वाई, अब इस इक्वेशन में अगर हम x बराबर जीरो रखें पुट x बराबर जीरो तो y बराबर आ जाएगा अपने पास टू, तो एक तो ये पॉइंट हो गया और सेकेंड पॉइंट हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, अगर y बराबर जीरो पुट करें y बराबर जीरो तो x बराबर वन आ जाता है, एक ये पॉइंट हो गया हमारे पास, तो x बराबर जीरो y बराबर टू, यानी कि कोई यहाँ पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ वन है
यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो कि वाई बराबर टू होगा यहाँ पे, और यहाँ इधर एक्स बराबर क्या, वाई बराबर जीरो हो तो वाई बराबर एक्स बराबर वन, यहाँ पे वो पॉइंट मान लेते हैं इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स, ये जो हमारे हमारे पास ग्राफ बना, दोनों का ये ग्राफ बन चुका है। अब इन दोनों पॉइंटों की हेल्प से हम इस पॉइंट के निर्देशांक निकालेंगे। हम इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें टू का मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टू का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा थ्री टू बाई सॉरी -2x प्लस 2y इक्वल टू टू एंड 2x प्लस y इक्वल टू टू, दोनों को ऐड किया तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3y इक्वल टू फोर, यानी कि हमारे पास आ गया y इक्वल टू फोर अपॉन थ्री। एंड अगर y इक्वल टू फोर अपॉन थ्री यहाँ पे पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो फोर अपॉन थ्री हो जाएगा, इधर जाएगा तो -1, फोर अपॉन थ्री माइनस वन ये हो जाएगा हमारे पास, फोर अपॉन थ्री माइनस वन यानी -1 अपॉन थ्री, तो x बराबर आ गया 1 अपॉन थ्री, तो हो गया x बराबर 1 अपॉन थ्री। तो फिर इसके निर्देशांक हो गए x बराबर 1 बाई थ्री एंड 4 बाई थ्री, ये हमारे पास इसके निर्देशांक इस तरह से निकाल लिया हमने इसके लिए। अब यहाँ पे सेकंड केस अपने पास, चेक हमें चेक करना है। टू ए दो तरीके हैं हमें हमारे पास। फर्स्ट जो कंडीशन है, एज इट पास फ्रॉम ओरिजिन, हमारे जो पहली कंडीशन होती है वो है कि हमारे पास जो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है नहीं, ये अगर पास होती है तो एक कंडीशन, अगर नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन, इफ इट पास फ्रॉम ओरिजिन, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, फिर हमने जो ग्राफ बनाया इसमें लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होती है, हमें एक दूसरा ग्राफ लेके चलते हैं जहाँ पे जिस तरह एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू वाई, ये हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई, ये हमें एग्जाम्पल में ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये हम सिर्फ एक समझने के लिए ले रहे हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू टू वाई यानी एक्स इक्वल टू टू वाई। तो हम देखते हैं जैसे हम वाई की वैल्यू रखते हैं तो एक्स दोगुना हो जाता है, जैसे वाई की वैल्यू हमने जीरो रखी दोनों पर जीरो जीरो आएगी और ओरिजिन से जाएगी, और वाई की वैल्यू वन आएगी तो एक्स बराबर टू आएगा, ये यहाँ से इस तरह से लाइन जाएगी, ये फ्रेंड्स लाइन जाएगी। अब हमारे पास अगर ऐसा केस हो कि अगर वो लाइन ओरिजिन से जा रही हो, तो उस केस में हम देखते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू वाई। अब इस ये ओरिजिन से जा रही है तो उस पर हम निकालने के लिए, फेजिबल रीजन चेक करने के लिए क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट ऑन एक्सिस, टेक अ पॉइंट ऑन एक्सिस एंड सी दैट इट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन और नॉट। हमने कोई एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी कहीं भी ले सकते हो, एक्सेस पे ले लो, तो हमने ये ले लिया। ये इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है, -1 एंड 0। अब फ्रेंड्स इस पॉइंट पे हम देखते हैं ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये इसको सेटिस्फाई, सी दैट इट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन और नॉट, हमने ये देखना है। तो ये हम देखते हैं -1 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि y बराबर 0 है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन देन फेजिबल रीजन इज द रीजन विच इज द साइड एंड पॉइंट, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जो फेजिबल रीजन होगा वो रीजन होगा जो कि पॉइंट की साइड में होगा, मतलब कि रीजन होगा ये रीजन होगा। और अगर सेकंड कंडीशन, इफ इट इज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन देन फेजिबल रीजन इज आउटसाइड ऑफ द पॉइंट, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे अगर हम पॉइंट यहाँ पे लेते, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास पॉइंट 1 0 ले लेते हैं हम जैसे यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं अगर 1 < 0 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो जो रीजन होगा वो पॉइंट की दूसरी तरफ होगा, हमने ये पॉइंट लेके चले तो इधर आ जाएगा रीजन, तो ये रीजन हो जाएगा इस तरह। फ्रेंड्स सेकंड केस है, इफ लाइन डज नॉट पास फ्रॉम ओरिजिन, जो कि हमारी जो प्रॉब्लम थी मेन प्रॉब्लम थी उसमें ये कंडीशन बन रही है, इफ लाइन डज नॉट फ्रॉम ओरिजिन, अगर जो लाइन है वो ओरिजिन से नहीं जा रही है, देन टेक ओरिजिन 0 0 एंड पुट इन द कंडीशन, हमें 0 0 ओरिजिन जो है उसको लेना है और कंडीशंस पे अप्लाई कर देना है। अब कंडीशन क्या थी हमारे पास फ्रेंड्स, कंडीशन थी हमारे पास -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे हम 0 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 0 एंड 0 ये सेटिस्फाई हो रही है, अपने पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, यहाँ पे 0 0 करें 0 < 2 सेटिस्फाई है दोनों कंडीशन। फ्रेंड्स ध्यान रखें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या करते हैं, इफ लाइन डज नॉट पास फ्रॉम ओरिजिन देन टेक ओरिजिन, हम 0 0 ले लिया,
इफ कंडीशन सेटिस्फाई देन फेजिबल रीजन इज इन द साइड ऑफ द ओरिजिन। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारे पास दोनों पॉइंट लाइनों की, तो उससे जो फेजिबल रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ये रीजन जो होगा ओरिजिन की तरफ होगा, ये रीजन फ्रेंड्स, ये दो इस लाइन का जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ हो गया, इस लाइन का जो रीजन है वो भी ओरिजिन की तरफ हो गया, और साथ में हमारे पास दो कंडीशन और हैं, एक्स एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब ये जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो हमारे पास ऐसा रीजन जिसमें जिसमें सारे पॉइंट होंगे वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो कौन सा रीजन है? ये रीजन, ये जो बना है, क्योंकि इस रीजन के, इस रीजन में ही सारे पॉइंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रीजन के पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इसका फेजिबल रीजन। फ्रेंड्स इस ग्राफ को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, यही ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमें पॉइंटों के निर्देशांक भी निकाल लिए हमने, वो हम बता चुके हैं कि वाई इक्वल टू फोर बाई थ्री और एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री कैसे आया है। नाउ जेड एट एक्स वाई, जेड एट एक्स वाई में हमारे पास एक प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, वो दिया हुआ था टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये हमारे पास प्रॉब्लम में दिया हुआ है जेड। तो जेड एक्स बराबर हमने लिख लिया टू एक्स प्लस थ्री वाई। अब फ्रेंड्स हमने एक आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें दिया हुआ है जो फेजिबल रीजन होगा वो हमेशा इस जो कर्व होगा, जो लाइन होंगी और जो बाउंड्री लाइन होंगी उन्हीं पे से होगा, और बाउंड्री लाइन पे, अगर बाउंड्री लाइन पे भी वहीं होगा जहाँ की ये वर्टेक्स होंगी, ये पॉइंट होंगे वहीं पे, जो फेजिबल रीजन का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो उन्हीं पॉइंटों पे होगा। तो हम उन पॉइंटों पे हम देखते हैं, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या थे, जीरो जीरो, इस पॉइंट के निर्देशांक वन जीरो जीरो वन, और इसके वन बाई थ्री फोर बाई थ्री, सभी पॉइंटों पे देखते हैं, जीरो जीरो पे देखते हैं जीरो आ जाता है, वन जीरो पे देखते हैं तो टू आ जाता है, जीरो वन पर देखते हैं थ्री आ जाता है, वन अपॉइंट फोर वन अपॉइंट थ्री एंड फोर अपॉइंट थ्री पर देखते हैं तो टू इंटू वन अपॉइंट थ्री प्लस थ्री इंटू फोर अपॉइंट थ्री इक्वल टू फोर्टीन अपॉइंट थ्री। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जेड मैक्सिमम निकालना है, तो जेड मैक्सिमम क्या है, फोर्टीन अपॉइंट थ्री, तो जेड मैक्स बराबर फोर्टीन अपॉइंट थ्री एंड ऑप्टिमल पॉइंट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो रहा है वो रहा है हमारे पास एक्स वन बराबर एक्स बराबर सॉरी एक्स बराबर वन अपॉइंट थ्री एंड वाई बराबर फोर अपॉइंट थ्री, ये जो सॉल्यूशन रहा फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। और अगर इसमें मिनिमम पूछता है तो मिनिमम क्या आता है अपने पास, जीरो जीरो, तो ये कंडीशन में जीरो जीरो आ जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है जीरो जीरो। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने जो पुरानी वीडियो में पढ़ा था हमने लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम किसे कहते हैं और लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हम ये पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, अ सेट एस सबसेट ऑफ आर एन इज सेट टू बी कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ फोर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एस अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू बिलोंग्स टू एस। यानी कोई सेट होगा हमारे पास एस, उसमें कोई भी हम दो पॉइंट ले लेंगे एक्स वन एंड एक्स टू, कोई भी, यानी कि हमें किसी भी अपने आर्बिट्री एक्स वन एंड एक्स टू ले लें हमें, तो उसके लिए सभी एक्स वन एक्स टू के लिए एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू बिलोंग्स टू एस करना चाहिए, जहाँ पर एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन एंड एल्फा एंड बीटा दोनों ही एल्फा एंड बीटा जीरो से बड़े हैं, यानी कि जो एल्फा और बीटा की जो रेंज है वो जीरो एंड वन के बीच में है दोनों की। अब ग्राफिकली अगर हम इसको शो करते हैं, ग्राफिकली कैसे कह सकते हैं, आ सेट एस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी पॉइंट। मतलब कोई भी हमारे पास ग्राफ होगा, इस तरह से हमारे पास कोई ग्राफ ले लेते हैं हम फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी ग्राफ होगा, ये ग्राफ है हमारे पास इस तरह, ये ग्राफ है, यानी हम यहाँ से ले लेते हैं, ये ग्राफ है, जैसे ये भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास ग्राफ बनाया हमारे पास। अगर ये जो कॉन्वेक्स होगा, अगर इस पॉइंट से आगे पढ़ते हैं, अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी पॉइंट, कोई एनी टू पॉइंट आर्बिट्री होंगे वो, एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एस इज इन द रीजन एस, कोई लाइन सेगमेंट होगा जो कि हमारे पास एक्स वन एक्स टू को जोड़ रहा होगा वो एस में ही होगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं एस बराबर एक्स एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू एल्फा वन प्लस बीटा इक्वल टू वन एंड एल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे हम कोई दो पॉइंट ले लें इसमें,
तो इसके जो लैन सेगमेंट होगा यहाँ से और यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लें इस लाइन पे, ये हमारे पास इसी एस में आ रहा है। इस तरह ट्रेंगल में ले लें, ट्रेंगल में यहाँ से यहाँ ले लें तो वो भी आएगा, कि कहीं भी ले लें दो पॉइंट। इसमें लें तो यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हैं हम दो पॉइंट, उनको उन दोनों पॉइंटों को जो मिलाएंगे वो जो लाइन होगी उसी एस में आएगी। अगर जैसे हम यहाँ पे ये रीजन लें, अगर ये हमने कोई रीजन ले लिया फ्रेंड्स, अब इस रीजन में हम देखते हैं कि ये सेट जो है वो कॉन्वेक्स है नहीं, ये रीजन जो कॉन्वेक्स है नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो लेंथ सेगमेंट में मिलाने वाले पॉइंट इसी में है, तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स हमारे पास हम कोई पॉइंट मिल गए तो वो कॉन्वेक्स हो गए। हमें यहाँ पे ऐसे पॉइंट भी मिल रहे हैं जो कि लाइन को, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला है हम यहाँ पे। अब ये पॉइंट को हम देखें, इस पॉइंट में यहाँ पे एक्स वन दे दें, यहाँ एक्स टू दे दें, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये लाइन, ये पॉइंट जो जो कि हमारे पास जो रीजन एस था उससे बाहर चले गए, बाहर चले गए, तो ये जो रीजन होगा हमारे पास ये कॉन्वेक्स रीजन नहीं होगा फ्रेंड्स। नाउ सम इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो है, पहले इफ एस वन एंड एस टू आर टू कॉन्वेक्स सेट देन इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। यानी इफ एस वन, यानी एस वन कोई कॉन्वेक्स सेट है, एस टू कॉन्वेक्स सेट है, जब दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा एस वन इंटरसेक्शन एस टू वो भी कॉन्वेक्स सेट होगा, ये शो करना है फ्रेंड्स। इसके प्रूव करने के लिए गिवन दैट एस वन एंड एस टू आर कॉन्वेक्स देन वी वॉन्ट टू शो एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज आल्सो कॉन्वेक्स, सो वी टेक टू पॉइंट फ्रॉम एक्स एस वन इंटरसेक्शन एस टू। जो हमें शो करना है उसमें से हमने दो पॉइंट ले लिए, वो एक्स वन एंड एक्स टू ले लिए, इसमें से कोई भी दो पॉइंट हमने आर्बिट्री ले लिए, देन वी वॉन्ट टू शो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, जहाँ जीरो लेस देन लेमड़ा लेस देन वन। फ्रेंड्स ये हमने यहाँ से लिया है, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था एल्फा वन प्लस बीटा इक्वल टू वन, तो इससे एल्फा वन बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस बीटा। तो ये अगर यहाँ पे हम गामा लें तो वन माइनस गामा हम कर सकते हैं इसको, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू। हमें ये शो करना है, अगर हम ये शो कर पाते हैं तो हमारे पास जो एस इंटरसेक्शन एस टू होगा वो कॉन्वेक्स होगा। अपने ये शो करने के लिए हमने लिए जो पॉइंट है एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू से लिए हैं, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन हैं तो इसका मतलब एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन भी करेंगे एंड एक्स वन बिलोंग एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एस टू भी करेंगे। चूंकि एस वन एंड एस टू बोथ आर कॉन्वेक्स देन लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू एस वन बिलोंग्स टू एस वन करेगा, क्योंकि एस वन है वो कॉन्वेक्स है और एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग पॉइंट है वो अपने पास एस वन के हैं, तो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन। एंड इसी तरह जो एक्स वन एंड एक्स टू जो पॉइंट है वो एस टू के भी हैं, तो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू बिलोंग्स टू एस टू। अब चूंकि ये लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू एस वन में भी बिलोंग कर रहा है और लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू एस टू में बिलोंग कर रहा है, तो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू। सो हम कह सकते हैं एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज आल्सो कॉन्वेक्स। नाउ फ्रेंड्स हमारे पास अगले जो थ्योरम है वो है इफ एस वन एंड एस टू आर टू कॉन्वेक्स देन एस वन यूनियन एस टू नीड नॉट बी कॉन्वेक्स। इसके लिए हमने फ्रेंड्स इसको प्रूव करने के लिए कि कॉन्वेक्स नहीं होगा, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से शो कर रहे हैं, लेट एस वन बराबर एक्स जीरो, एक्स बिलोंग्स टू आर एन। फ्रेंड एस वन क्या है हमारे पास, एस वन है वो हमारे पास एक्स जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर एन, यानी कि जो हमारे पास टू डी में हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स जीरो, एक्स की वैल्यू है लेकिन वाई की वैल्यू जीरो है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और एस टू है वो है हमारे पास, जो एस टू है वो है हमारे पास जीरो वाई, यानी कि वाई एक्सिस, वाई बिलोंग्स टू आर है आर, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम एस वन को हम कॉन्वेक्स प्रूव करते हैं, तो एस वन को कॉन्वेक्स प्रूव करने के लिए हम सिंपली देख लेते हैं, यहाँ से ये एस वन है पूरा अपना, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट ले लें तो उनको मिलाने वाला पॉइंट इसी लाइन पे आएगा, सीधा लाइन इस लाइन पे एक्स एक्स पे, तो ये हमारे पास एस वन है वो कॉन्वेक्स है। इस तरह एस टू को देखते हैं, तो एस टू को ये लाइन है एस टू, यहाँ पे यहाँ से और यहाँ पे किसी कोई भी पॉइंट ले लें, इसको मिलाने वाले पॉइंट हमेशा इसी लाइन पे होंगे, ये पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, तो एस वन एंड एस टू है वो हमारे पास दोनों कॉन्वेक्स है। अब हम ले लेते हैं इनका कोई एक पॉइंट ले लेते हैं
हमें इनका यूनियन लेना है, तो एक्स वन यूनियन एक्स टू में से एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो वो हो गया हमारे पास 1 0 ले लिया हमने, जैसे यहाँ से ले लिया, सॉरी 0 1 ये ले लिया, यहाँ से ले लिया हमने 1 एंड 0। अब फ्रेंड्स दोनों पॉइंट एस वन यूनियन एस टू में हैं, क्योंकि एक पॉइंट हमने एस वन में से लिया है, एक पॉइंट एस टू में से लिया है, तो ये भी बिलोंग एस वन यूनियन एस टू से कर रहा है, और ये भी बिलोंग एक्स वन यूनियन एस टू से कर रहा है। लेकिन इस पॉइंटों को मिलाने वाले पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमारे पास ना तो एस वन में है, ना एस वन में है, ना ही एस टू में है। अगर इसको एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे मिडिल पॉइंट लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/2, 1/2। जो मिडिल पॉइंट होगा ये ना तो हमारे पास एस वन में आ रहा है, ना ही एस टू में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो लेम जो कि एस वन यूनियन एस टू है वो हमारे पास कॉन्वेक्स नहीं होगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक अगली थ्योरम है, इफ एस इज ए कॉन्वेक्स इन आर एन, देन सो दैट एल्फा बिलोंग्स टू आर, एल्फा एस इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स इन आर एन। यानी हमारे पास दिया हुआ है एस जो है वो कॉन्वेक्स है, और कोई एल्फा एक नंबर है जो कि आर से है, तब हमें शो करना है एल्फा एस, यानी कि एल्फा का मल्टीप्लाई एस से करने पे जो हमारे पास आएगा वो भी एल्फा एस कॉन्वेक्स होगा। अब इसको प्रूव करते हैं, गिवन दैट एस इज कॉन्वेक्स इन एस, हमारे पास ये दिया हुआ है कॉन्वेक्स है, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एस, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू हमेशा एस में ही रहेंगे, जहाँ पे लेमड़ा 0 से और 1 के बीच में है। अब हमने लेट एक्स बराबर लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स क्या डोट कर रहा है, वेयर एक्स डोट द ऑल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वन टू एक्स टू, जो कि एक्स वन जैसे यहाँ से एक्स वन है और यहाँ एक्स टू है, तो इन पॉइंटों को मिलाने वाले इस लाइन के सभी पॉइंटों पर लेमड़ा की अलग अलग वैल्यू रखने पे, हमारे पास लेमड़ा की कुछ भी वैल्यू रखेंगे हम, जैसे लेमड़ा की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो मिडिल पॉइंट आ जाएगा, 1/3 रखते हैं कुछ इधर का पॉइंट आ जाएगा, 1/4 रखते हैं कुछ इधर का आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास ये जो पॉइंट होंगे लेमड़ा की हर एक वैल्यू के लिए ये पूरे लाइन सेगमेंट को शो करेगा। तो हमने ये लाइन सेगमेंट ले लिया, लाइन सेगमेंट एक्स वन टू एक्स टू हमने ये ले लिया, एक्स बराबर एल्फा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू। अब यहाँ पे हमें ये भी हमारे पास कोई पॉइंट है, उस पर हमने कोई कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई किया, तो एल्फा एक्स इसी तरह एल्फा लेमड़ा एक्स वन प्लस एल्फा वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, क्योंकि कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई किया तो अंदर चला जाएगा, तो ये लेमड़ा 12 जाएगा और ये हो जाएगा लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू। अब फ्रेंड्स लेमड़ा एस के जो अवयव होंगे वो किस तरह से होंगे, लेमड़ा एक्स वन लेमड़ा एक्स टू इस तरह के अवयव होंगे, बट लेमड़ा एक्स बिलोंग्स टू लेमड़ा एस, क्योंकि लेमड़ा का मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया, तो लेमड़ा एक्स सभी जो होंगे एल्फा एस में से बिलोंग करेंगे, सो लेमड़ा एल्फा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एल्फा एक्स टू जो ये होगा ये भी बिलोंग्स टू एस करेगा, और हमें यही शो करना था, ये शो हो गया, तो लेमड़ा एस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स सेट। अब फिर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सो दैट एस इक्वल टू एस कोई सेट है एक्स वाई उसमें अभी हमें बिलोंग्स टू आर एन सच दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, हमें इसको कॉन्वेक्स शो करना है। इसको कॉन्वेक्स शो करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, लेट एक्स वन वाई वन बिलोंग्स टू एस एंड एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एस, हमने एक्स वन वाई वन क्योंकि जो एस के अभी हमें वो एक्स वाई के रूप में, तो हमने एक्स वन वाई वन बिलोंग्स टू एस ले लिया एंड एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एस ले लिया, देन एक्स वाई इक्वल टू कोई एक्स वाई लेमड़ा की हर एक वैल्यू के लिए कोई एक्स एंड वाई मिलते जाएंगे हमारे पास, तो लेमड़ा एक्स वाई प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स वाई एक्स टू वाई टू सॉरी एक्स वन वाई वन वन माइनस लेमड़ा एक्स टू वाई टू, ये हमें बिलोंग्स टू एस शो करना है, तो इसके लिए हमें ये शो करना काफ़ी होगा कि एक्स एंड वाई जो होगा वो लेमड़ा की हर एक वैल्यू के लिए एस में बिलोंग करेगा, ये शो करना है फ्रेंड्स। चूँकि एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एस, सो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसको हम स्टार दे देते हैं, इसको हम डबल स्टार दे देते हैं, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए जिनके हमें आगे यूज करना है। नाउ एक्स और वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई बराबर इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं अंदर, तो लेमड़ा एक्स वन और लेमड़ा वाई वन ये हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस लेमड़ा एक्स टू 1 माइनस लेमड़ा वाई टू ये हो गया, तो इसका हम सम करते हैं तो ये होगा लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू लेमड़ा वाई वन प्लस वन माइनस लेमड़ा वाई टू, यानी जो एक्स होगा वो इस फॉर्म में होगा लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, और वाई जो होगा वो होगा लेमड़ा वाई वन प्लस वन माइनस लेमड़ा वाई टू इस फॉर्म में होगा।
सो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स इट इज सफिश टू शो दैट, हमें एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स शो करने के लिए क्या शो करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर, यानी कि लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई वन प्लस वन माइनस लैम्बडा वाई टू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर। सो हमने आर एच एस ले लिया इसका, अब ये शो करने के लिए हमें हमने आर एच एस ले लिया, तो ये होगा लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई वन प्लस वन माइनस लैम्बडा वाई टू का होल स्क्वायर। अब हमने इस स्क्वायर को खोल दिया तो ये हो गया हमारे पास लैम्बडा स्क्वायर एक्स लैम्बडा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस वन माइनस लैम्बडा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस टू लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा एक्स वन एक्स टू। इस तरह इसको खोला तो ये आ गया लैम्बडा स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस वन माइनस लैम्बडा स्क्वायर वाई टू स्क्वायर टू लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा वाई वन वाई टू, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ से एक्स वन स्क्वायर और वाई वन स्क्वायर वाले में से लैम्बडा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो लैम्बडा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। इस तरह हमने वन माइनस लैम्बडा स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया यहाँ दोनों से, तो ये हो गया वन माइनस लैम्बडा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस यहाँ इन दोनों में से हमने टू लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस वाई वन डॉट वाई टू, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर वो क्या है, चार से छोटा है, ये दिया हुआ है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर। तो इसका यूज करके हमने ये बड़ा नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे इस नंबर की जगह हम बड़ा नंबर यूज कर रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ी संख्या रख रहे हैं, इससे बड़ी संख्या यहाँ पुट कर रहे हैं, तो फोर लैम्बडा स्क्वायर। इसी तरह एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर, तो यहाँ पे भी हमें फोर इंटू वन माइनस लैम्बडा स्क्वायर ये हो गया, यहाँ पे हमने इसकी जगह वैल्यू फोर पुट कर दी। देन जो बचा हमारे पास टू लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा एक्स वन एक्स टू प्लस वन वाई वाई वन वाई टू, नाउ एक्स वन प्लस एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस वाई वन डॉट वाई टू लेस देन इक्वल टू फोर। फोर फ्रेंड्स ये फोर है, यहाँ आर आर स्क्वायर आर होता तो आर से कम होता, ये एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस वाई वन डॉट वाई टू लेस देन इक्वल टू फोर बाई लैग्रेंज इनइक्वलिटी। ये फ्रेंड्स लैग्रेंज इनइक्वलिटी को हम प्रूव भी कर सकते हैं या इसको हम शो करेंगे अभी कि एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस वाई वन डॉट वाई टू लेस देन इक्वल टू फोर कैसे आया, ये शो करने के लिए देखते हैं हम। अब फ्रेंड टू शो दैट एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस वाई वन डॉट वाई टू लेस देन इक्वल टू फोर, अब हम ये शो कर रहे हैं तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर हैं तो या तो जीरो होंगे या जीरो से बड़े होंगे, जीरो छोटा नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव हो एक्स वन माइनस एक्स टू या पॉजिटिव हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो स्क्वायर है उसको हमेशा पॉजिटिव बना देगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, तो इसका हमें स्क्वायर खोल दिया तो ये हो गया एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, और इसका स्क्वायर खोल तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू ये लिख दिया हमने, इसका स्क्वायर खोल तो वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर माइनस टू वाई वन वाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स टू वाई वन बाई टू को हमने एक साइड ले गए या इधर ले गए या हम कह रहे हैं तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसको लिख रहे हैं इस टर्म को तो टू वाई वन बाई टू प्लस एक्स वन एक्स टू, और बाकी को हम इधर ले गए और यहाँ पे माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो भी हम ये कर सकते हैं, तो लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर या एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर वाई टू स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ से टू कॉमन ले लिया हमने, ये हुआ एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर क्या था हमारे पास, वो हमारे पास पहले भी फोर था, यहाँ से एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर एंड एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, तो इसी कंडीशन का हमें यूज करके हमने यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे फोर पुट कर दिया यहाँ फोर पुट कर दिया तो ये हो गया वाई वन प्लस वाई टू टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस एक्स वन एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू एट, ये हमारे पास कंडीशंस थी, तो हमारे पास टू का हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया वाई वन बाई टू प्लस एक्स वन एक्स टू लेस देन इक्वल टू फोर और एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन बाई टू लेस देन इक्वल टू फोर, जो कि हमने लैग्रेंज इनइक्वलिटी बताई थी, ये हमने फ्रेंड्स लैग्रेंज इनइक्वलिटी को हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, तो ये जो कंडीशन है ये भी फोर से छोटी है तो यहाँ पे हमने फोर पुट कर लिया, तो यहाँ पे फोर पुट करने पे टू लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा हो गया। अब फोर हमने पूरे में से कॉमन ले लिया तो फोर ये कॉमन हो गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस वन माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर प्लस टू लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा। फ्रेंड्स ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लैम्बडा प्लस वन माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर है ये, तो ये इसको हम अगर खोला तो लैम्बडा प्लस वन माइनस लैम्बडा यानी लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा वन रह जाएगा वन का स्क्वायर वन ही रहेगा तो लेस देन इक्वल टू फोर। या फ्रेंड्स हमने यहाँ पे शो कर चुके हैं
हमने यहाँ पे ये शो कर, ये जो इनइक्वालिटी हमने शो कर दिया कि ये जो इक्वलिटी 4 से छोटी है, तो ये हमें शो करना था। सो हम कह सकते हैं कि जो एस है वो हमारे पास कॉन्वेक्स है। सो एस इज कॉन्वेक्स। फ्रेंड्स अब हमें पढ़ना है सी एल सी ऑफ टू पॉइंट्स। लेट एक्स वन एंड एक्स टू कोई दो पॉइंट है, तो उसका हमारे पास सी एल सी होगा वो होगा एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू। सी एल सी क्या होता है? कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये होता है हमारे पास सी एल सी ऑफ टू पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू के लिए हमारे पास लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू, जहाँ जीरो लेस देन लेमडा लेस देन इक्वल टू वन। ये हमारे पास जो होगा ये लेंथ सेगमेंट होगी हमारे पास जो जॉइनिंग एक्स वन और एक्स टू को जो ज्वाइन कर रही होगी। ये हमारे पास सी एल सी ऑफ टू पॉइंट हो गया। नाउ अब सी एल सी ऑफ एम पॉइंट्स। एक्स बराबर कोई भी हमारे पास पॉइंट जो होगा सी एल सी का कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन का कोई पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा एक्स इक्वल टू एक्स वन एल्फा वन प्लस एक्स टू एल्फा टू प्लस डॉट डॉट एल्फ एक्स एन एल्फा एन, जहाँ पर वेयर एल्फा वन प्लस एल्फा टू टू प्लस डॉट डॉट एल्फा एम इक्वल टू वन, एल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई बराबर वन टू एम। दिस गिव आल ऑप्टिमल आल द पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द एन डायमेंशनल ग्राफ। कोई भी ग्राफ होगा उसके जो अंदर के पॉइंट होंगे और जो ग्राफ की बाउंड्री पे जो पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंटों को ये हमारे पास दे देगा। लेमडा वन एल्फा वन एल्फा टू की जो अलग अलग वैल्यू होंगे उसके लिए दे देगा। अब हम थ्योरम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये थ्योरम है आज सेट एस इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ एवरी कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन पॉइंट्स ऑफ एस इन एस, यानी आज सेट एस इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ एवरी सी एल सी पॉइंट ऑफ एस इन एस। ये हमें शो करना है। अब प्रूव करते हैं फ्रेंड्स। इफ लेट एवरी सी एल सी पॉइंट ऑफ एस इन एस, सी एल सी पॉइंट जो है उसके एक्स वन एक्स टू जो भी पॉइंट होंगे यहाँ पे एक्स के जो पॉइंट होंगे वो सभी हमारे पास एस में हैं। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू टू, देन एस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। क्योंकि हमारे पास जो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारे पास कॉन्वेक्सिटी की कंडीशन है। अगर ये हमारे पास कॉन्वेक्स पॉइंट जो होंगे वो हमारे पास एस में है तो वो हमारे पास कॉन्वेक्स होगा ही। अब ओनली पार्ट आता है फ्रेंड्स, ओनली पार्ट वी विल शो दिस रिजल्ट बाई मैथमेटिक्स इंडक्शन। इस रिजल्ट में हमें क्या करना है, हमारे पास कोई सी एल सी पॉइंट होंगे उसको हमें कॉन्वेक्स प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें वी विल शो दिस रिजल्ट बाई मैथमेटिक्स इंडक्शन। मैथमेटिक्स इंडक्शन का मेथड लेंगे फोर के बराबर टू। के बराबर टू के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स वन एल्फा वन प्लस एक्स टू एल्फा टू। ये फ्रेंड्स उसी में होंगे जहाँ पे एल्फा वन प्लस एल्फा टू इक्वल टू वन होगा, क्योंकि एस ये हमारे पास इसलिए होंगे क्योंकि जो एस है वो हमारे पास कॉन्वेक्स है। ये हमारे पास इम्प्लाई करेगा कि एस जो है कॉन्वेक्स है, क्योंकि यही कॉन्वेक्स की डेफिनेशन होती है। नाउ लेट वी अस एज्यूम दैट द रिजल्ट ट्रू फॉर एक्स बराबर के। अब हमने ये सोच एज्यूम कर लिया है कि जो रिजल्ट है कि जो के बराबर एम के एन बराबर के लिए हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है। तो उस कंडीशन में हमने मान लिया एल्फा वन एक्स वन प्लस एल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 एल्फा के एक्स के बिलोंग्स टू एस, वेयर एल्फा वन प्लस एल्फा टू डॉट डॉट एल्फा के इक्वल टू वन। ये हमने मान लिया फ्रेंड्स। नाउ वी वांट टू शो दैट दिस रिजल्ट इज आल्सो होल्ड फॉर एन बराबर के प्लस वन। हमने एन बराबर के लिए इस रिजल्ट को हमने ट्रू मान लिया है, तो हमें एन बराबर के प्लस वन के लिए इस रिजल्ट को ट्रू शो करना है। आई वी वांट टू शो, इसका मतलब है हम शो करना चाहते हैं, वो है एक्स बराबर एल्फा वन एक्स वन प्लस एल्फा टू एक्स टू डॉट डॉट एल्फा के एक्स के प्लस एल्फा के प्लस वन एक्स के प्लस वन, वेयर एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस डॉट डॉट एल्फा के प्लस वन इक्वल टू वन। ये है। अब फ्रेंड्स अगर हम जो एल्फा के प्लस वन जोड़ते हैं वो जीरो है, तो हमारे जो हमने एज्यूम्शन किया था कि बाकी जो एल्फा के हैं वो वन है, तो उसका एज्यूम्शन से हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा। और अगर एल्फा के प्लस वन इक्वल टू वन जोड़ते हैं, हम एल्फा के प्लस वन की वैल्यू वन रखते हैं, देन वी कैन टेक सभी हमें एल्फा वन इक्वल टू एल्फा टू डॉट डॉट एल्फा के हमें जीरो ले लें, तो हमारे पास एल्फा के एक्स से बच जाएगा जो कि एक्स में बिलोंग करेगा। देन रिजल्ट इज ट्रू, क्योंकि हमने सी
उसके अल्फा वन प्लस अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा के प्लस वन इक्वल टू वन हो गए हमारे पास। नाउ लेट अस एज्यूम दैट जीरो लेस देन अल्फा के प्लस वन लेस देन वन। हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि ना तो हमने जीरो मान रहे हैं उसे ना ही वन मान रहे हैं, इनके बीच में हमने कोई अल्फा के प्लस वन को एज्यूम कर लिया है। तो हमने इसके वन बीच में क्या है, तो वन माइनस अल्फा के प्लस वन भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये जीरो से छोटा है। सो एक्स बराबर हमने वन माइनस अल्फा के प्लस वन का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और अल्फा वन एक्स वन प्लस अपन वन माइनस अल्फा के प्लस वन ऊपर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा, एलसीएम लेके कट जाएगा ये वन माइनस अल्फा के प्लस वन डॉट डॉट वन माइनस अल्फा के प्लस वन और अल्फा एन तक अल्फा एन एक्स एन, और जो अगली टर्म थी अल्फा के प्लस वन एक्स के प्लस वन इसको हमने लीव कर दिया। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अल्फा आई अपॉन वन माइनस अल्फा के प्लस वन इस टर्म को हमने बीटा आई मान लिया, इस टर्म को बीटा आई मान लिया, तो हम ये कह सकते हैं इस टर्म को सभी अल्फा आई अल्फा वन वन अपॉन अल्फा के प्लस वन वन है से हमें चलते हुए अल्फा के वन माइनस बीटा के प्लस वन और यहाँ पे एक्स वन और एक्स के, तो ये हो गया बीटा वन एक्स के वन बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू डॉट डॉट बीटा के एक्स टू बिलोंग्स टू एस। यहाँ पे हमने ये कर लिया। नाउ ये हमने वन माइनस अल्फा के प्लस वन का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे अलग से हमने कंस्टेंट दिखा दिए, तो हो गया एक्स बराबर वन माइनस अल्फा के प्लस वन, और इसको हमने एक अलग से वाई दे दिया, इस पूरे टर्म को हमने एक वाई एक अलग से पॉइंट दे दिया वाई, तो ये हो गया वाई प्लस अल्फा के प्लस वन एक्स के प्लस वन, ये हो गया फ्रेंड्स। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो सम हो जाएगा वन विच इज़ द सी एल सी ऑफ टू पॉइंट, ये दो पॉइंट्स का लीनियर कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। सो सिंस तो हम कह सकते हैं जो कि हमने एक्स बराबर के प्लस वन के लिए भी हमें इसको सी एल सी प्रूव कर दिया, सिंस सो एस इज कॉन्वेक्स, ये हमें प्रूव करना था। अब फ्रेंड्स अगली डेफिनेशन आती है वो हमारे पास एक्सट्रीमम पॉइंट। अब फ्रेंड्स एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट एक्स इज सेट टू बी एक्सट्रीमम पॉइंट या वर्टेक्स जो होता है ऑफ अ फेजिबल सेट एस ऑफ अ एलपीपी इफ एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज एक्स बराबर अल्फा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्ब्डा वन माइनस अल्फा एक्स टू, यानी कि इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो पॉइंट होगा हमारे पास एक्सट्रीमम पॉइंट होगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फिर सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है। लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम कहते हैं इन प्रॉब्लम पी, कोई हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई होगी प्रॉब्लम पी, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एंड जी, जी हमारे पास कंस्टेंट है फॉर ऑल जी आर लीनियर, देन द प्रॉब्लम पी इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और अगर ये हमारे पास एफ एंड जी लीनियर नहीं है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे वो जो प्रॉब्लम होगी वो नॉन लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास दो आए हैं, दो बड़ आए हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड हमने जो जी को बोला वो कंस्टेंट, ये क्या होते हैं अब ये देखते हैं। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन द फंक्शन विच हैव द मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑप्टिमाइज, जो हमारे पास फंक्शन ऑप्टिमाइज किया जाता है इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया होगा जिसको हमें मिनिमम पूछा होगा या मैक्सिमम पूछा होगा वो फंक्शन होगा हमारे पास, वो हमारे पास फंक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब फ्रेंड्स जो भी हमारे पास कंडीशंस दी होंगी, जिस तरह से कोई एलपीपी है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम दिया होगा हमारे पास सी टी एक्स, ये तो हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और साथ में हमारे पास कुछ कंडीशन दी होंगी जी जे एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो जीरो या जी जे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या जी जे एक्स इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरह की हमारे पास कंडीशन दी होंगी, जो वो कंडीशन होंगी वो होंगे हमारे पास कंस्ट्रक्ट। द रजिस्ट्रेशन ऑन द वेरिएबल, जो वेरिएबल जो हमारे पास कंडीशन दी होंगी जी आई आई बराबर वन टू एम इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। अब फिर हमारे पास आता है फेजिबल रीजन। फेजिबल रीजन क्या होता है, कोई एक सेट होता है जिसमें एक्स ऐसे ऐसे पॉइंट कह सकते हैं या ऐसे सेट में ऐसे पॉइंट होंगे जो कि हमारे पास आर एन से होंगे और जी जे एक्स जे लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी जी जे एक्स जे में जो भी हमारे पास कंडीशन दी होंगी, ये फिर हमने एक उसके लिए ले लिया कि जी जे एक्स जे थी वो सारी कंडीशन लेस देन इक्वल टू जीरो थी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली होंगी
तो जी जे एक्स जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जो भी कंडीशन होंगी उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब जो भी हमारे पास जी जे एक्स जे लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास कंस्टेंट जी जे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो वो वाली कंडीशन होगी, उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट्स, वो पॉइंट होंगे वो हमारे पास फेजिबल रीजन कहलाएंगे, देन एस इज कॉल्ड द फेजिबल रीजन। इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस, इफ एक्स बिलोंग्स टू एस एंड नॉट इक्वल टू जीरो, विच ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल पॉइंट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स यानी कि कोई भी हमारे पास जो पॉइंट होगा, जो कि इसका पॉइंट होगा, एस का पॉइंट होगा, और उस फंक्शन पे, उस पॉइंट पे हमारे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, एफ एक्स की वैल्यू, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो पॉइंट हमारे पास कहलाएगा ऑप्टिमल पॉइंट, और जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी ऑप्टिमल वैल्यू, या ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब द प्रॉब्लम पी इज कॉल्ड क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट। जो प्रॉब्लम पी होगी उसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, और सेकंड होगा नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन प्रॉब्लम पी इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एंड जी फॉर ऑल जी आर लीनियर देन द प्रॉब्लम पी इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अदरवाइज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फ्रेंड्स अब आता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP। कोई हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन मे बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होगा हमारे पास, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहीं से, वो या तो मैक्सिमम में दिया होगा या मिनिमम में दिया होगा। और RHS ऑफ आल कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन होगी। अब ये ले हमें ये एक्स बराबर बी, तो जो बी में जो भी कंस्टेंट होंगे, बी में जो भी कंस्टेंट होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर आल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, आल वेरिएबल यानी कि जो एक्स वन एक्स टू जो भी वेरिएबल होंगे हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। आल कंस्टेंट आर एन इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वलिटीज होंगी उसको हमें इक्वेशन में चेंज करना है, उसके बाद जो फॉर्म आएगी हमारे पास वो आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP। अब हम किसी LPP को चेंज करके देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, और जो कंस्टेंट है वो दिया हुआ है हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू वन, टू एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर, एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स हमारे पास इसको हमें फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म हमें निकालनी है इसकी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी? हमारे पास कंडीशन थी पहली, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन मे बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है फ्रेंड्स वो भी या तो मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। तो मैं ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम है अपने पास जेड इक्वल टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू। और अगली कंडीशन है फ्रेंड्स वो है हमारे पास RHS ऑफ आल कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम देखते हैं RHS ऑफ आल कंस्टेंट देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखते हैं माइनस फोर, ये नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाना होगा। तो पहले ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये होगा एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू वन, एंड टू इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको प्लस बना लेते हैं, तो जाएगा माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू, क्यों साइन चेंज हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब अगली जो कंडीशन है हमारे पास आल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, आल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव। अब हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है? एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास नॉन नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो एक्स टू को हमें नेगेटिव बनाने के लिए एक्स टू डैश हमारे पास डिफाइन कर देते हैं, लेट एक्स टू डैश इक्वल टू माइनस एक्स टू। ये है तो हमारे पास ये माइनस एक्स टू, एक्स टू डैश बराबर माइनस एक्स टू है, तो इसमें इस कंडीशन से होगा एक्स टू डैश, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो एक्स टू क्या है हमारे पास? नेगेटिव। माइनस एक्स टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो एक्स टू डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ पर भी एक्स टू है वहाँ पे एक्स टू डैश माइनस एक्स टू डैश से रिप्लेस कर देना है, तो ये करेंगे हम मैक्सिमम जेड इक्वल टू टू एक्स वन माइनस एक्स टू डैश सब्जेक्ट टू, जो कंस्टेंट है वो हो जाएंगे टू एक्स वन सॉरी एक्स वन ये एक्स टू माइनस एक्स टू डैश से हो जाएगा, तो माइनस एक्स टू डैश
लेस देन इक्वल टू वन, और टू एक्स वन प्लस एक्स टू, तो टू एक्स वन और ये एक्स टू प्लस एक्स टू हो जाएगा, ये माइनस एक्स टू डैश लेस देन इक्वल टू फोर, ये हो गया। तो और हो गया हमारे पास एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास थर्ड कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा ली इसके लिए। अब फोर्थ कंडीशन है वो हमारे पास आल कंसिस्टेंट आर इन इक्वेशन। अब हमें इन जो कंसिस्टेंट है इनको इक्वेशन में चेंज करना होगा, तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे स्लैक वेरिएबल जोड़ने होंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का जैन साइन होता है तो सरप्लस वेरिएबल जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू टू एक्स वन माइनस एक्स टू डैश। अब स्लैक वेरिएबल यहाँ पे हम एस वन जोड़ेंगे, यहाँ पे एस टू जोड़ेंगे, स्लैक वेरिएबल जो जोड़ रहे हैं वो एस वन है एंड एस टू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होगा वो होगा जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू। फ्रेंड्स स्लैक वेरिएबल इस तरह से जोड़ते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो इसके लिए हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, और सब्जेक्ट टू कंडीशन हो जाएंगे हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स टू डैश प्लस एस वन इक्वल टू वन एंड एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू डैश प्लस एस टू इक्वल टू फोर, एंड जो भी स्लैक वेरिएबल है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, तो ये हो गया हमारे पास एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स टू डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एस वन एंड एस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो गया फ्रेंड्स। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है इसकी। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास एलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। एलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, अब उसके हम कुछ एलजेब्रा जो कि उसके जो बीजगणित की बीजगणित जो होती है उसको हम पढ़ेंगे। अब इसमें पहला जो होता है द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड अ फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस है कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होकर फंक्शन का, कॉन्स्टेंट और फंक्शन का डिवाइडेड डिफरेंस है वो होगा हमारे पास कॉन्स्टेंट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स वेयर सी इज एनी कॉन्स्टेंट। सेकेंड प्रूव करेंगे हम द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ एनी टू फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन होंगे उनका हम जो सम होगा उसका डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे। इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर इंडिविजुअल डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि जो अलग अलग से जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा उनका उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा इसका, ये हो गया। और थर्ड जो हम प्रूव करेंगे वो है द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द लीनियर सम, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द लीनियर सम ऑफ टू फंक्शन इज अ लीनियर सम ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि हमें इस तरह के फंक्शन है वो हमें डिवाइडेड इससे प्रूव करना है कि वो सी वन डेल एफ सी वन डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस सी टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी एक्स, ये प्रूव करना है। अब फ्रेंड्स हम इनको प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले हम पहला प्रूव करते हैं, प्रूफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हमारे पास, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड अ फंक्शन, यानी कि हमारे पास फंक्शन है और कॉन्स्टेंट है उसका प्रोडक्ट है, ये है हमारे पास। तो ये रहा हमारे पास डेल एफ डेल सी डॉट एफ एक्स इक्वल टू सी डेल, इस डिवाइडेड डिफरेंस को हम डेल ही बोल रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, डेल एफ एक्स ये है हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो बाई एल एच एस हम एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस क्या है डेल डॉट सी एफ एक्स, ये है फ्रेंड्स। हमने हमें इस सी डॉट एफ एक्स को हमने क्या मान लिया, इसको हमें इसको मान लेते हैं लेट एफ एक्स बराबर सी एफ एक्स, ये मान लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक्स की कोई हमें कोई दो वैल्यू लेंगे, हमें यहाँ पे ले एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी, ये दो वैल्यू है हमारे पास, वहाँ पे हमें डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पे एफ ए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या है सी स्मॉल एफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी और ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस सी डॉट एफ एक्स अपॉन बी माइनस ए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली सी को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब जब फ्रेंड्स ये आ गया तो इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं,
अब हम आर एच एस सॉल्व करते हैं। आर एच एस क्या, हमारे पास सी डॉट डेल एफ एक्स, या डेल एफ एक्स क्या होता है हमारे पास फ्रेंड, डेल एफ एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, ये एफ ए एफ बी माइनस एफ ए पॉइंट वही है बी माइनस ए, और अगर हम सी का मल्टीप्लाई कर दें तो सी डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सी, सी का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स एफ ये यहाँ पे हमने यहाँ पे एफ ए है बी है एफ ए है, तो एफ बी एफ ए ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन नंबर टू, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड टू दोनों इक्वल हैं, सो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स क्या है डिवाइड सी एफ एक्स, तो इसको कह सकते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस सी एफ एक्स इक्वल टू सी डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, हेंस प्रूव्ड। अब फ्रेंड्स हम सेकंड थ्योरम प्रूव करते हैं। सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड था दैट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ एनी टू फंक्शन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर इंडिविजुअल डिवाइडेड डिफरेंस। इसका मतलब है डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स प्लस डिवाइडेड डिफरेंस जी एक्स, ये प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो बाई एल एच एस, हमने एल एच एस ले लिया, डेल डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये लेट अब हमने यहाँ पे मान लिया एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, जो पहले माना था उसी तरह हमने ये मान लिया है। अब फ्रेंड्स कैपिटल एफ एक्स मान लिया तो इसका डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, और कोई दो पॉइंट मान लिए लेट एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी एनी टू पॉइंट, और यहाँ ए इक्वल नॉट बी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ए इक्वल बी हो जाएगा तो डिवाइडेड डिफरेंस नहीं होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा डेल डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स बराबर कैपिटल एफ ए, कैपिटल एफ ए माइनस सॉरी कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब फ्रेंड्स एफ एक्स बराबर ये है तो हमारे पास हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ बी बराबर इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं उसको एफ ए माइनस सॉरी एफ ए प्लस जी ए, ये लिख सकते एफ बी बराबर लिख रहे हैं हम, एफ बी बराबर तो एफ बी माइनस जी बी ये लिख सकते हैं, एंड एफ ए बराबर लिख सकते हैं उसको एफ ए प्लस जी ए। अब फ्रेंड्स ये दोनों वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एफ बी प्लस जी बी, अब इसकी वैल्यू रखनी है हमें, हमें रखनी है यहाँ पे माइनस एफ ए की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस जी ए, लेकिन एफ ए प्लस जी ए बार माइनस का मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए माइनस जी ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इक्वल टू, इसको हम फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए, ये लिख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ है हमारे पास, ये क्या है डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स है ये फ्रेंड्स हमारे पास, ये फ्रेंड्स डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स नहीं, इसको ए बोल देंगे ए, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए, और ये क्या है हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए स्मॉल एफ ए प्लस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी ए, तो हमने प्रूव कर दिया फ्रेंड्स डेल एफ ए कैपिटल डेल एफ ए इक्वल टू डेल एफ ए प्लस डेल जी ए। अब यहाँ पे यही हो गया, तो डेल एफ ए बराबर क्या है हमारे पास, एफ ए बराबर क्या था हमारे पास, एफ ए बराबर था अपने पास इसके अकॉर्डिंग एफ ए बराबर ये हो जाएगा जी ए प्लस एफ ए प्लस जी ए, ये हो जाएगा एफ ए प्लस जी ए इक्वल टू डेल एफ ए प्लस डेल जी ए, या किसी एक्स के लिए लेंगे हम उसको, ये तो ए के लिए था, ये हमारे पास कोई आर्बिट्री था, ये एक्स
एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी, हमने कुछ माने थे जो एक्स की वैल्यू थी हमारे पास, ये आर्बिट्री थी, तो इसको लिख सकते हैं डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू ए डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी एक्स, ये जो कि हमें प्रूव करना था। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो थर्ड केस था वो था अपने पास द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ लीनियर सम, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ लीनियर ऑफ द लीनियर सम ऑफ टू फंक्शन इज द लीनियर सम ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस, ये हमारे पास लीनियर सम का डिवाइडेड डिफरेंस निकाला है तो वो हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस का लीनियर सम आ गया, ये निकाल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, थर्ड थर्ड प्रूव कर रहे हैं, तो लेट कैपिटल एफ एक्स बराबर जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ उसको मान लेते हैं सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, देन बाय डेफिनेशन डेफिनेशन डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, डेल बी एफ ए, हम यहाँ पे डेल भी लिख नहीं रहते क्योंकि उसे लिखने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती हमारे पास, ये हुए डेल ये एफ ए हुआ डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो गया। अब फ्रेंड्स एफ बी एंड एफ ए की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, तो एफ ए की वैल्यू क्या, एफ बी की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे अगर एक्स बी रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी वन एफ ए प्लस सी टू जी ए माइनस, अब यहाँ पे ये तो एफ बी की सॉरी एफ बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, अब एफ ए की वैल्यू रखेंगे हम तो ये आ जाएगी हमारे पास सी वन एफ ए माइनस, क्योंकि प्लस प्लस ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा सी टू जी ए अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से अगर हम सी वन कॉमन ले लें और सी वन कॉमन ले लें यहाँ से तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस यहाँ से सी टू कॉमन ले लें दोनों में से तो ये हो गया सी टू कॉमन ले लिया तो ये हो गया जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए, जो कि फ्रेंड्स क्या है हमारे पास ये डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए प्लस सी टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ बी, या किसी आर्बिट्री के लिए हम कह सकते हैं आर्बिट्री के लिए इसको क्या कह सकते हैं, अगर एक्स के इसको एक्स के पुट करते हैं इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास जो कि हमें प्रूव करना था वही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर जैसे यहाँ पे हमने निकाल लिया था कि एफ ए के लिए हमने निकाल लिया था, अब ए की जगह एक्स रखेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा डेल सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स इक्वल टू सी वन एफ एक्स डॉट सी टू एफ सी टू एफ बी सी टू जी एक्स, और यहाँ पे ये एफ ए की वैल्यू यहाँ पे एफ ए कैपिटल एफ ए बराबर ये वैल्यू रख देंगे हम तो ये जो हमारे पास प्रूव करना था ये आ जाएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब तक हमने जो पढ़ा था वो डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट निकाले जाते हैं और उनके कुछ यूज पढ़े थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं तो उस रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहला एग्जाम्पल है वाई मीन ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड वैल्यू ऑफ एफ टू एफ एट एंड एफ फिफ्टीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल दी हुई है हमारे पास, टेबल में वैल्यू दी हुई है एक्स बराबर फोर पर 48, 5 पर 100, 7 पर 294, 10 पर 900, 11 पर 1210, 13 पर 2028। अब फ्रेंड्स ये दी हुई है हमारे पास, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जैसे इसको हम एक्स जीरो मान लेते हैं, इसको एक्स वन मान लेते हैं, एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, तो ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो होता था वो होता था हमारे पास एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ डबल डिवाइडेड डिफरेंस होता था एफ एक्स जीरो का, इसी उसी फॉर्मूले हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो एफ एक्स बराबर हो गया एफ फोर एक्स माइनस एक्स फोर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फाइव एफ एफ फोर प्लस एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर डबल डिवाइडेड दो बार डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा ये, और एफ फोर फिर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, उसके बाद ट्रिपल डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एफ फोर इसका, और इसी तरह से फॉर्मूला आ गया हमारे पास।
अब फ्रेंड्स हम इसके लिए पहले टेबल बनाते हैं, क्योंकि टेबल बनाने पर ही हमें इनमें डिवाइडेड डिफरेंस एफ फोर की डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ फोर डिवाइडेड डिफरेंस का क्यूब एफ फोर इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसकी टेबल बनाने के लिए ये लिख दिया हमने यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ डबल डिवाइडेड एफ एक्स ट्रिपल डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स एंड फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स ये निकालने हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो एक्स की वैल्यू दी हुई है 4, 5, 7, 10, 11, 13, तो उनको यहाँ पुट कर लेते हैं 4, 5, 7, 10, 11, 13 ये हो गया। अब फ्रेंड्स इस पर जो एफ एक्स की वैल्यू हुई दी हुई है 4800, 294, 900 और ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू। यहाँ पे थी अपने पास 48, ये थी 100, ये थी अपने पास 294, ये थी 900, ये 1210 और 2028 ये वैल्यू थी फ्रेंड्स हमारे पास। अब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या करना होगा 100 माइनस 48, तो ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 52। इसी तरह यहाँ पे क्या था 294 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 194 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 97। इस तरह इसमें से इसको माइनस किया डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7 3, तो हो जाएगा हमारे पास 202। इसी तरह यहाँ से किया तो यहाँ पे हो जाएगा 310 और यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 409। अब फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या करना होता है हमें 97 माइनस 52, 97 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4, यानी कि हमें इस बार 2 का अंतर लेके चलना है, इसको बीच वाले को हटा देना है। नेक्स्ट टर्म में 10 माइनस 5 कर देंगे, जैसे यहाँ पे क्या 97 माइनस 52, 97 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 15। इस तरह यहाँ पे क्या हमें तो 202 माइनस 97 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास 21। इस तरह 310 माइनस 202 डिवाइडेड बाई 11/7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 और ये हो जाएगा फ्रेंड्स इस तरह 33। अब यहाँ डेल क्यू एफ एक्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10/4, क्योंकि थर्ड निकाल रहे हैं तो हमें 2 बीच में से लीव कर देनी है, तो 10 माइनस 4, तो ये हो जाएगा अपने पास फ्रेंड्स 1, ये भी 1 एंड ये भी 1, और डेल 4 जो आ जाएंगे वो सभी 0 आ जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। वन अगर डेल 4 निकालना होता है 1 1 नहीं होते, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे वो जो होता है उसमें से इसको माइनस करते डिवाइडेड बाई 11 माइनस 4 करते, ये हो जाएगा और ये भी 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो फॉर्मूले आ चुके हैं, ये फॉर्मूले हमें इस सॉरी ये जो वैल्यू आ चुकी है इस टेबल की वैल्यू, ये हमें इस वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 48, एफ फोर इक्वल टू 48 प्लस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ फोर प्लस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ फोर कर दो 52 प्लस इस तरह एक्स माइनस फाइव डबल डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ फोर, तो ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स माइनस सेवन एंड मल्टीप्लाई बाई 1, ये 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एफ एक्स बराबर आ गया हमारे पास। अब हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स हम देखते हैं ये जाएगी हमारे पास वैल्यू जो आएगी एक्स क्यूब में आएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व आप कर सकते हो, मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सॉल्व करने पे आ जाएगी। अब फ्रेंड्स हमारे पास पूछा क्या है, एफ टू पूछा है, तो एफ टू इसमें 2 एक्स बराबर 2 रख देने पर 4 हो जाएगा, एफ एट पूछा है तो एफ एट हो जाएगा 4
448 F15 पूछा है तो वो जाएगा 3150। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करके चेक भी कर सकते हो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है और उसकी कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, जो पुरानी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। पहली प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आई अथवा इसका मतलब यह है, डिवाइडेड डिफरेंस इज सिमेट्री फंक्शन ऑफ देयर आर्गूमेंट्स। यानी कि हमारे पास कोई डिवाइडेड डिफरेंस होगा, वो हमारे जो उसका क्रम होगा उसके उसे इंडिपेंडेंट होगा, उस पर हमारे पास डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे हम फ्रेंड्स प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं तो लेट एफ एक्स का जो डिवाइडेड डिफरेंस है, लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड डिवाइडेड डिफरेंस डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, तो ये फर्स्ट जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा एक्स जीरो एंड एक्स वन, ये निकालते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। या इसमें दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से माइनस कॉमन ले, नीचे से माइनस माइनस कॉमन ले लें, तो इसको लिख सकते हैं हम एफ एक्स जीरो माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन। तो फ्रेंड इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वन एक्स जीरो, ये लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि इसके जो भी वेरिएबल है उसका क्रम कुछ भी हो, हम उसको लिख सकते हैं। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एफ एक्स जीरो, यहाँ इसी को लिखना चाहें तो एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो माइनस, अगर यहाँ से हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एफ एक्स जीरो, और ये एक्स वन माइनस एक्स जीरो आएगा, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, और एक्स जीरो माइनस एक्स वन ये हो जाएगा फ्रेंड्स। या फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमने इसकी हेल्प से लिखा है, और इसकी हेल्प से लिखना चाहे तो ये हो जाएगा एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन प्लस एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसका क्रम चेंज हो गया, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू थी वो सेम रहेगी, ये हो गया। अब फ्रेंड्स नाउ फोर एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, या तीन के लिए लेने हैं तो हम यहाँ पे एक्स जीरो ले लेते हैं, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, या इसके लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू इक्वल टू, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास एफ एक्स टू एक्स वन माइनस एफ एक्स वन एक्स जीरो, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने दे चुके हैं क्रम चेंज नहीं होता इससे, तो क्रम चेंज करके एक्स वन एक्स टू लिख सकते हैं इसको, और इसको जीरो वन, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें किससे हम पहले देख चुके हैं कि क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स जीरो, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स एफ एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो कॉमन ले लिया हमने, और कॉमन लेके हमने एफ एक्स वन एंड एक्स टू की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसके अकॉर्डिंग आएगी जो आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं हम तो ये हो जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
इसका हम एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ये तो वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो रहेगा ही बाहर। जो अंदर का जो एलसीएम आया वो एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स जीरो आ गया। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का डिवाइड किया तो ये हो गया एक्स वन माइनस एक्स जीरो मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। तो इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एक्स वन एफ एक्स वन, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इस पे एक्स जीरो से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का यहाँ पे माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होता है माइनस एफ एक्स टू, यहाँ माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस, साथ में यहाँ पे एक्स जीरो आएगा, यहाँ पे एक्स जीरो, यहाँ पे भी एक्स जीरो एफ एक्स वन। अब इधर हमने मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ से ये कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, सॉरी माइनस, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। तो ये एक्स टू का पहले मल्टीप्लाई करें तो एक्स टू एफ एक्स वन, और आगे जो टर्म आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ऊपर लिख रहे हैं टर्म्स को। तो एक्स टू ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स टू, सॉरी एक्स, हाँ एक्स टू एफ एक्स जीरो। अब एक्स वन का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स वन एफ एक्स वन एंड माइनस माइनस एंड माइनस, तीन मल्टीप्लाई तो माइनस रहेगा और ये हो जाएगा एक्स वन एफ एक्स जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स जीरो कहाँ कहाँ पर है। एफ एक्स जीरो यहाँ पर है लास्ट में, अपने पास यहाँ पे आ रहा है एक्स जीरो, एक्स जीरो यहाँ पे आ रहा है, तो हमने एफ एक्स जीरो कॉमन ले लिया तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड, यहाँ हो जाएगा पहले एफ एक्स जीरो कॉमन ले लिया तो एफ एक्स जीरो, तो उसके साथ बच गया हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन एंड डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस फ्रेंड्स, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन ये, और ये आएगा एक्स वन माइनस एक्स जीरो एंड फ्रेंड्स यहाँ ये एक्स जीरो है, ये हो जाएगा। अब प्लस, अब इस बार हमने एफ एक्स वन वाली टर्म को कॉमन ले लिया तो एफ एक्स वन वाली टर्म कॉमन ली हमने, तो हमारे पास क्या बच गया एफ एक्स वन वाली टर्म ली तो ये बच गया हमारे पास अंदर, यहाँ पे एक्स वन है माइनस का, यहाँ पे हमारे पास एक्स जीरो, ये तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन, और भी हमारे पास टर्म है, ये आ गया हमारे पास, ये एक्स टू प्लस है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं एक्स वन माइनस है, प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू ये वन है, ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, और डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स जीरो प्लस। इस बार हमने एफ एक्स टू वाली टर्म कॉमन ली तो एफ एक्स टू वाली टर्म कॉमन ली हमने तो ये बच गया हमारे पास एक्स वन माइनस, यहाँ तो एक्स वन बच गया यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन से एक्स टू माइनस एक्स वन कट जाएगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक्स जीरो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स जीरो माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स टू, ये हो जाएगा। इसको फिर हम दूसरी टर्म में लिख रहे हैं, दूसरे पेज में लिखते हैं, इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स टू, ये आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एफ एक्स वन वाले में हमारे पास कटेगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर जैसे हम ये करते हैं एफ एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स वन तो ये कट जाएगा हमारे पास, इनको अलग अलग टर्म में डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, इसका तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो एंड डिवाइडेड बाई, इससे होगा पूरी टर्म से, और यहाँ पे होगा एफ एक्स वन। और फ्रेंड्स अब पहले हम इससे कर रहे हैं तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई किया इसका और इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स जीरो माइनस एक्स वन वाली टर्म कट जाएगी ये,
और ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये हो गया हमारे पास, हाँ ये हो गया, और प्लस एफ एक्स वन। यहाँ पे इस बार इसके इससे अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू वाले टर्म यानी कि ये कट जाएगी, एक्स वन माइनस एक्स टू वाले टर्म, तो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमने काटा है, तो एक्स वन माइनस एक्स जीरो काटना है तो माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एंड ये हो जाएगा यहाँ से एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन गया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स जीरो। अब फ्रेंड्स लास्ट वाली टर्म है वो हमारे पास एफ एक्स टू, तो इसमें मल्टीपल ये एक्स वन माइनस एक्स जीरो से एक्स वन माइनस एक्स जीरो कट गए, तो ये बच गया एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये बच गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स इसको तो हम यही लिख देते हैं, एफ एक्स जीरो को तो यही रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स जीरो माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स टू। एंड फ्रेंड्स अब यहाँ पे माइनस माइनस साइन कॉमन लेके और एफ एक्स वन कॉमन लेके, और एफ एक्स वन के साथ क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स जीरो कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से, और अंदर जो बच गया वो है हमारे पास वन अपॉन एक्स, यहाँ से एक्स टू माइनस एक्स जीरो कॉमन ले दो, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू माइन एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये बच गया प्लस, और ये हमारे पास एफ एक्स टू, ये हमारे पास यही है एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास एफ एक्स जीरो रहेगा अपॉन, इसको तो कोई चेंज ही नहीं करना हमें, एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस, अब इसमें चेंज करना है हमें, तो इसमें चेंज करने के लिए फ्रेंड्स इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एंड इसका एलसीएम लिया तो वो हो गया हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स जीरो, और इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड किया तो एक्स वन माइनस एक्स जीरो प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन। फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं एक्स वन से एक्स वन कट जाएगा, और लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो है एक्स टू एफ एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू, यहाँ से हमें ये कट गया हमारे पास, क्यों एक्स वन से एक्स वन कट गया, अब एक्स टू माइनस एक्स जीरो बच गया, तो ये भी एक्स टू माइनस एक्स जीरो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स जीरो दोनों जगह है हमारे पास, तो ये कट जाएगा फ्रेंड्स। और हम क्या कर सकते हैं साथ ही, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, एक्स वन से यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये तो है ये हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये हो गया प्लस एफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स जीरो एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब फिर इसे ये हो गया कि जो हमारे पास फंक्शन था वो एफ एक्स जीरो एक्स वन है एक्स टू के लिए भी हमारे पास ये सममित है, यानी कि सिमेट्रिक फंक्शन है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि फंक्शन किसी एन के लिए हमारे पास सिमेट्रिक है, हम यहाँ पे मान लेंगे कि एन के लिए सिमेट्रिक है फंक्शन, तो उस कंडीशन में एन के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एन के लिए अब एन के लिए प्रूव करेंगे इसको, तो वो हो जाएगा एफ एक्स जीरो एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन बराबर, जो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन प्लस एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन माइनस एक्स एन प्लस, इसी तरह अगली टर्म चलते हुए जो भी एन एन बी टर्म होगी एफ एक्स एन
अब बराबर होगा, वो होगा एफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स वन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ये हो गया फ्रेंड्स जो कि हमें प्रूव करना था, क्योंकि हमारे पास एन बराबर टर्म के लिए मैथमेटिक्स इंडक्शन से आ जाएगा जो कि हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, केंद्रीय, अब सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, पहले सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड रिलेशंस। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर फ्रेंड्स क्या होता है, कोई डेल कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम डेल से शो करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर डेल लिख सकते हैं। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ये होता है डेल, अगर इस पर हमने एफ एक्स पर अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1/2 h माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 h, ये फिर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से हम लिख सकते हैं e की पावर, इसको अगर इसको लिखना चाहें तो e 1/2 एफ एक्स, यहाँ ई क्या है, ई अपने पास यहाँ पर ई ऑपरेटर होता है, वो ई अपने पास अगली टर्म को शो करता है, जैसे ई की पावर 1/2 h है, तो इसका इसका मतलब जो ई फंक्शन होगा वो एफ एक्स प्लस 1/2 h, एफ एक्स प्लस 1/2 h हो जाएगा। इसी तरह माइनस यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस 1/2 एफ एक्स, अगर 1/2 कॉम एफ एक्स कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा ई 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब कह सकते हैं हम डेल इक्वल टू जो होता है वो होता है ई 1/2 माइनस ऑपरेटर ई माइनस 1/2, ये होता है। अब फ्रेंड्स डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालते हैं, सेकंड जो डिफरेंस होता है वो निकालते हैं, सेकंड ऑपरेटर ये निकालते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेल एफ एक्स ये निकालना होगा। तो डेल एफ एक्स क्या है अपने पास फ्रेंड्स, डेल एफ एक्स ये है अपने पास, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ एफ एक्स प्लस 1/2 h माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 h, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमने इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका हमें डिफरेंस निकालना है, इसको अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें पहले क्या 1/2 h जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस h माइनस एफ, इसमें 1/2 h जुड़ेगा तो ये एक्स ही रह जाएगा। अब 1/2 h माइनस होगा, माइनस का साइन लग के ये माइनस होंगे तो ये हो जाएगा एफ, ये तो एक्स रह जाएगा क्योंकि माइनस 1/2 h हो रहा है, और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस h, या फिर इसको लिख सकते हैं हम ई ऑफ एफ एक्स माइनस यहाँ पे 2 और एफ एक्स प्लस ई इनवर्स एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स ई माइनस 2 प्लस ई इनवर्स एफ एक्स, ये शो कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको। या इसको आगे हम लिखें तो ई माइनस ई सॉरी ई की पर 1/2 माइनस ई 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको हम खोल के हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ई का इसका स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 ई 1/2 ई की पावर माइनस 1/2, तो ई की पावर 0 हो जाएगा तो 2 ही रह जाएगा, प्लस ई इनवर्स का होल ई की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस 1 रह जाएगा, ये हो गया फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह हम डेल एन निकालें, डेल एन एफ एक्स निकालें, तो उसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, डेल एन माइनस वन एफ एक्स प्लस एच 2 माइनस डेल एन माइनस वन एफ एक्स माइनस एच 2, ये लिखा है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आर बराबर 0 to infinity, सॉरी आर बराबर 0 to n माइनस 1 की पावर आर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एफ एक्स प्लस एन एच 2 माइनस आर एच, ये हो जाएगा।
ये वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पहले हम टेबल बनाते हैं, सेंट्रल डिफरेंस टेबल की जो क्या होती है वो बनाते हैं। अब फ्रेंड्स सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी, वाई एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी। जैसे एक्स की वैल्यू हम लेते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू चल रही होंगी, यहाँ से माइनस टू होगा, फिर माइनस वन होगा, जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, और डॉट चलती हुई जाएंगी कुछ वैल्यूज। तो इस पे हमारे वैल्यू लेते हैं, वाई माइनस टू ले लेते हैं, इसको वाई माइनस वन ले लेते हैं, वाई जीरो ले लेते हैं, वाई वन ले लेते हैं, वाई टू ले लेते हैं। अब ये सेंटर में क्या है फ्रेंड, सेंटर में जो होगा वो हमारे पास जीरो होगा, तो सेंटर में वाई जीरो हो गया। अब हमारे पास डेल निकालना है, इसके लिए फर्स्ट डेल निकालते हैं। तो डेल ये क्या हो जाएगा, डेल वाई माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, डेल वाई जो हो जाएगा इन दोनों के बीच का, तो माइनस वन बाई टू, डेल वाई वन बाई टू, डेल वाई थ्री बाई टू, और या डेल यहाँ पे डेल वाई। अब इस तरह डेल स्क्वायर वाई निकालते हैं, डेल स्क्वायर निकालते हैं, तो फिर डेल स्क्वायर वाई हो जाएगा अपने पास, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल स्क्वायर वाई यहाँ पे निकालते हैं, डेल स्क्वायर वाई जीरो, डेल स्क्वायर वाई वन। अब यहाँ पे डेल क्यू निकालते हैं, डेल क्यू तो वो हो जाएगा हमारे पास डेल क्यू वाई माइनस वन बाई टू इन दोनों के बीच का, इधर डेल क्यू वाई वन बाई टू, और डेल फोर निकालते हैं फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा अपने पास डेल फोर वाई जीरो, ये हो जाएगा। और हमें डेल कैसे निकाला, डेल के लिए हमारे पास सिंपली वही फॉर्मूले होते हैं, डेल बराबर ई की पावर वन बाई टू माइनस ई माइनस वन बाई टू, ये होता है। अब डेल स्क्वायर बराबर जो निकालते हैं उसके लिए डेल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देने, जो हमने डेल का जो फॉर्मूला पढ़ा था ये फॉर्मूला डेल का होता है फ्रेंड्स, जो किसी एन के लिए एन बराबर जो भी वैल्यू होगी वो हमें इसमें पुट कर लेनी है, और जो वैल्यू आ जाए वो हमारे पास रख देंगे। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं एवरेज ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर क्या होता है, एवरेज ऑपरेटर को हम न्यू से शो करते हैं, न्यू इक्वल टू होता है हमारे पास वन बाई टू एफ एक्स प्लस एच वाई टू माई प्लस एफ एक्स माइनस एच वाई टू, ये होता है हमारे पास। या इसको हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, न्यू एफ एक्स इक्वल टू होता है वन बाई टू वन ई की पावर वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू ऑफ एफ एक्स, ये शो कर सकते हैं हम, म्यू एफ एक्स है फ्रेंड्स ये म्यू एफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू बराबर हो जाएगा वन बाई टू ई की पावर वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू, ये होता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एवरेज ऑपरेटर होता है। अब एक और ऑपरेटर आता है, थर्ड ऑपरेटर जो होता है वो होता है हमारे पास सेंट्रल सम ऑपरेटर, सेंट्रल सम ऑपरेटर। सेंट्रल सम ऑपरेटर क्या होता है फ्रेंड्स, सेंट्रल सम ऑपरेटर ऑपरेटर होता है एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें सिग्मा एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू, अर्थात ऐसा कोई ऑपरेटर जिसमें सिग्मा एंड डेल इक्वल टू वन हो, सिग्मा एंड डेल इक्वल टू वन होता है फ्रेंड्स। ये जो ऑपरेटर होता है सिग्मा, इसको हम ये सिग्मा ऑपरेटर इसको हम सेंट्रल डिफरेंट ऑपरेटर कहते हैं फ्रेंड्स। अब हम कुछ रिलेशन पढ़ते हैं इनके बीच में। अब फ्रेंड्स हम ये पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर ई डेल सॉरी ई नेबला डेल डेल, ये दो ये ऑपरेटर जो अपने पास है, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर वाला डेल है, म्यू एंड सिग्मा, इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सिग्मा सो डेल एंड दिस डेल, या इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस रिलेशन पढ़ना है।
अब फ्रेंड्स डेल एफ एक्स बराबर क्या होता है, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है इस, ये होता है हमारे पास एफ एक्स प्लस 1/2 एच माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 एच, ये होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ई 1/2 एच, सॉरी ई 1/2 एफ एक्स माइनस ई माइनस 1/2 एफ एक्स। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम ई कॉमन ले लें, हमें से ई माइनस 1/2 कॉमन ले लें या ई कॉमन ले लें, हमारे ये हमारे ऊपर है कौन सा कॉमन लेना है हमें, पर हमें डेल बनाना है। तो डेल बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, डेल बराबर क्या होता है, ई माइनस 1 होता है, डेल बराबर ई माइनस 1 होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ई लाना है और यहाँ पे माइनस 1 लाना है। तो उसके लिए हमें ई इनवर्स कॉमन लेना, एक बार माइनस 1/2 कॉमन लेना होगा। एक बार माइनस 1/2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ई एफ एक्स माइनस 1 एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं ई माइनस 1/2 ई माइनस 1 एफ एक्स। तो ई माइनस 1/2 बराबर एफ एक्स होता है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ई माइनस 1/2, सॉरी डेल होता है तो डेल एफ एक्स। तो ये हो गया हमारे पास डेल एफ एक्स इक्वल टू ई माइनस 1/2 डेल एफ एक्स, यह हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू, सॉरी डेल इक्वल टू ई माइनस 1/2 डेल्टा, ये हो गया हमारे पास। अब हम सेकंड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डेल एंड नेबला। अब ये पढ़ते हैं फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन डेल एंड नेबला पढ़ते हैं। तो डेल एफ एक्स बराबर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास डेल एफ एक्स बराबर जो हमने पहले इसको सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग यहीं यहाँ तक लिख लेते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं हम ई पावर 1/2 एफ एक्स माइनस ई पावर माइनस 1/2 एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स। अब फ्रेंड्स ई की पावर नेबला बराबर क्या होता है हमारे पास, नेबला बराबर होता है 1 माइनस ई इनवर्स, ये नेबला बराबर होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूले। तो नेबला बराबर ये होता है हमारे पास, तो इसके लिए हमें ई इनवर्स लाना है। तो ई इनवर्स कॉमन लेना हो, यहाँ से हमें ई की पावर 1/2 कॉमन लेना होगा, तो 1 माइनस ई माइनस 1 1/2 एफ एक्स, या ई ई 1 माइनस ई इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, नेवला नेवला ई पर 1/2 एफ एक्स। सो फ्रेंड्स डेल इक्वल टू हो गया नेवला ई माइनस 1/2, ये हो गया। हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन न्यू डेल्टा एंड ई, ये रिलेशन पढ़ना है हमें। तो इसके लिए हमें म्यू बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, म्यू बराबर होता है 1/2, हम पहले ये पढ़ चुके हैं ई पर 1/2 प्लस ई माइनस 1/2, ये होता है। तो म्यू स्क्वायर क्या, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 1/4, और इसका स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा हमारे पास ई, क्योंकि इसका स्क्वायर किया तो वो 1 हो जाएगा प्लस 2 प्लस ई माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4, तो बाहर ये ई माइनस 2 प्लस ई इनवर्स प्लस 4, ये लिख सकते हैं हम। तो ये हम यहाँ पे हमने 2 को ऐड किया है और 2 ही माइनस किया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ से हमने पहले पहले जो पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, ये पढ़ा था ई माइनस 1/2 माइनस ई 1/2, सॉरी ई 1/2 माइनस ई 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस 2 प्लस ई इनवर्स, ये होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, ये हो गया ई 1/2 माइनस ई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। पर ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है, ये जो ऑपरेटर होता है वो हमारे पास, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है फ्रेंड्स। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या थी, यही थी अपने पास। तो हो जाएगा 1/4
ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, और 4 का मल्टीप्लाई के अंदर तो प्लस 1। तो फिर हमारे पास आ गया, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, न्यू स्क्वायर बराबर 1/4 डेल स्क्वायर प्लस 1, ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स अगर ये म्यू है हमारे पास, म्यू में 2 का मल्टीप्लाई करें तो म्यू में 2 म्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास ई 1/2 प्लस ई माइनस 1/2, ये हो जाएगा। और डेल बराबर क्या होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये होता है ई 1/2 माइनस ई माइनस 1/2, ये होता है। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों को सम कर दें, तो ये हमारे पास कट जाएगा, ओनली क्या बच जाएगा हमारे पास, हम दे दें 2 न्यू प्लस डेल इक्वल टू ई की पावर ई 1/2 2 टाइम्स, ये बच गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास न्यू प्लस डेल 2 इक्वल टू ई 1/2, ये आ गया। ये भी हमारे पास इनके बीच में रिलेशन आ गया है फ्रेंड्स। इसी तरह अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 2 न्यू माइनस डेल इक्वल टू 2 ई माइनस 1/2, या न्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास ई, न्यू बराबर ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 डेल, ये भी एक रिलेशन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास न्यू है, म्यू एंड डेल दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, म्यू क्या होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2, और डेल क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2, ये होता है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर 1/2 एंड सॉरी ये प्लस है तो ये हो जाएगा ई, ये माइनस बी का होल, ये माइनस बी सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई एंड ये हो जाएगा हमारे पास ई इनवर्स, ये हो जाएगा। अगर फिर से हम इसे ई इनवर्स कॉमन ले लें तो उसके लिए हमारे पास 1/2 ये ई बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। या ई को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ई कॉमन ना लेके ई इनवर्स को 1/e लिखें तो सीधा ही हो जाएगा 1/2, ये ई का ई को जो हमने कॉमन लिया है, ई इनवर्स कॉमन लिया फ्रेंड्स, ई इनवर्स सॉरी ई इनवर्स कॉमन लिया है हमने, तो ई इनवर्स को हम नीचे लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1/e, ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई प्लस 1 ई माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 1/2 ई प्लस 1 ई माइनस 1/e, ये हो जाएगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे पास ई माइनस 1 तो डेल हो जाएगा सिंपली, तो हो जाएगा 1/2, ये तो डेल हो जाएगा हमारे पास और ये रह जाएगा हमारे पास, इसको हम आगे लिख लेते हैं तो ये तो डेल रह जाएगा। अब ई प्लस 1/e प्लस 1/e रह गया, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस ई इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया तो ये ई इनवर्स हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब फिर डेल के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 तो बाहर, ये डेल प्लस डेल ई इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इस पर हमारे पास फ्रेंड्स एक रिलेशन आ गया है, और रिलेशन जो है वो है हमारे पास यहाँ से न्यू डेल इक्वल टू 1/2 डेल प्लस डेल ई इनवर्स, यानी कि रिलेशन था अपने पास वो आया है, यहाँ पे लिख देते हैं वो रिलेशन, न्यू डेल इक्वल टू 1/2 डेल प्लस डेल ई इनवर्स, ये रिलेशन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब फ्रेंड्स हम अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड ई, ये पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड ई पढ़ते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एंड एफ एक्स बराबर क्या होता था फ्रेंड्स, जब सिग्मा हम अप्लाई करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स प्लस 1/2 h माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 h, ये होता था। तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लिखो सिग्मा
कोष्टक ये हो जाएगा ई की पावर 1/2 एफ एक्स माइनस ई की पावर -1/2 एफ एक्स, ये हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक बार -1/2 मल्टीप्लाई कर लें 1/2 एफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटर होते हैं ये हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस ई बार -1/-1 हो जाएगा ये एफ एक्स, या इसको कह सकते हैं ई -1/-1/2 एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा 1 - ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स, या फिर इसको क्या लिख, या ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास ई -1/2 इक्वल टू सिग्मा 1 - ई इनवर्स, ये हो गया। या इससे हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर ई की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई ई डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 - ई इनवर्स, ये हो जाएगा। अगर हम ई इनवर्स की वैल्यू, ई इनवर्स बराबर 1/ ई रख लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स एक बार -1/2 1 - 1/e, एलसीएम लेके हो जाएगा हमारे पास ई का अंदर में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई के बाद 1/2 बच जाएगा और ये हो जाएगा ई -1, ये आ जाएगा। ये फ्रेंड्स रिलेशन आ गया हमारे पास सिग्मा और ई के बीच में।